इच्छा मात्रम अविद्या जो आत्मा निजी नेचर है, एवर प्रेजेंट है। उसे शाइन फोर्थ करने के लिए इच्छाएं खत्म नहीं करनी होती, पर प्यूरिफिकेशन ऑफ इच्छा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ इच्छा कैसे होती है? उसके लिए ये बहुत स्पष्टता से क्लियरली देखना होता है। कि मेरे इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी थॉट, फीलिंग, अनुभव है, चाहे मन की कैसी भी स्टेट है, बॉडी की कोई भी कंडीशन है, एकदम संतुष्ट। इस अनुभव को दूसरे अनुभव से, नए अनुभव से रिप्लेस करने की भी इच्छा नहीं। जो भी अनुभव है, मन के स्तर पर, देह के स्तर पर, सिचुएशंस के स्तर पर, अ बिग यस। तो सारी इच्छाएं प्योरिफाई हो जाती।
क्योंकि अब जो इच्छा मात्रम अविद्या एवर प्रेजेंट बीइंग है, उसका नेचर बैकग्राउंड फुलफिल्ड नेचर भरपूर नेचर अनुभव में जो शांति नहीं ढूंढ रहा, पीस नहीं ढूंढ रहा, अनुभव के माध्यम से वो बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आता है। किसी भी रिश्ते से कुछ भी नहीं चाहिए होता, कोई अनुभव नहीं है कि खुशी दे दे, हैप्पीनेस दे दे, प्यार दे दे, क्योंकि जो भी अनुभव है अभी मेरे प्रेजेंट बॉडी माइंड की कंडीशन फुली वेलकम्ड है। साइलेंस
कुछ पॉइंट्स लास्ट 2 डेज की साकार मुरली से बाबा ने जो कहे थे वो लेकर हम जो एक मुरली है जो हमने इंग्लिश में की थी हम हिंदी क्लास में भी करेंगे। तो ये मुरली थी 16 जुलाई की और बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है उसमें, जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे। तो पुरुषार्थ भी किसके द्वारा किया जाता है? जो ऑलरेडी अचल अडोल बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अगर अचल अडोल बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो क्या हुआ? अचल अडोल बनने के लिए नहीं, जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं तब तक पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे। कुछ भी हो भल तूफान आए परंतु स्थैर्य, माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे, आत्मा की अवस्था मजबूत यह है गुप्त मेहनत। ये मीनिंग है बाबा ने दिया है गुप्त मेहनत का। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं, जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा, है ना। ऊंच पद बाहर बाहर की बात नहीं, ऊंच पद है अपनी ऊंची स्थिति सबसे पहले, तो बाकी तो बात की बात है ना। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग है। और है ना, हमारी जो सच्ची शांति सच्चा सुख है वो किसी माइंड के स्टेट से या बॉडी की कंडीशन से नहीं मिलने वाला है कि माइंड शांत हुआ, माइंड खुश है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव। नहीं, हमारी एक्चुअल खुशी एक्चुअल शांति दबी हुई है, पता है किसके नीचे? जो रिप्रेस्ड और जो क्या बोलते हैं रिप्रेस्ड, जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती है ना, दबी हुई फीलिंग्स यही बोलते हैं शायद, जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं उसके नीचे होती है ना। इसलिए मेडिटेशन मतलब सब कुछ बाहर आए, कितना भी डिस्कम्फर्ट हो ऊपर आए, कितनी भी जन्मों की जो पार्ट में माइंड के अनुसार जितने भी पुराने पुराने सब दबे हुए फीलिंग्स हैं जो हमारे रिलेशनशिप्स को स्पॉइल किया है, उन फीलिंग्स के माध्यम से रिलेशनशिप्स स्पॉइल हुई हैं, उन्हीं के माध्यम से हम एक्टिविटीज में आए हैं, हमारा डिक्टेट किया है हर एक मोमेंट को हर एक एक्शन को जिन फीलिंग्स ने, जो दबाई हुई रखी हुई थी अंदर। मेडिटेशन मतलब किसी ने हमको फाइन प्रिंट नहीं बताई ना मेडिटेशन का मतलब क्या होता है। जैसे फाइन प्रिंट होती है ना किसी किताब में, वो ब्रोशर में फाइन प्रिंट में कुछ चीजें लिखी हुई होती है। अगर वो नहीं पढ़ी तो मेडिटेशन की फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है सारी ये होम्योपैथिक की दवाई है, सारी बीमारियां ऊपर आएंगी, डिस्कम्फर्ट आएगा, डिस ईज आएगा, सारे कुछ ऊपर आएगा, ये सब फाइन प्रिंट में लिखा हुआ था। राइट पर दिस इज मेडिटेशन। और इसीलिए जो हम फ्राइडे को जो हम करते हैं ना, नहीं आपका फ्राइडे, हाँ फ्राइडे कभी कभी बिल्कुल साइलेंस होता है, कभी कभी कमेंट्री होगी, ये उस वक्त देखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या क्या ऊपर। क्योंकि हमने जैसे पहले एक एग्जांपल दिया था ना कि कुएं के अंदर नीचे सारे वो होते हैं क्रीपी क्रॉलीज, राइट, और सूर्य ऊपर आता है 12 बजे तब वो ऊपर आते हैं, और सूर्य चला जाता है
वापस नीचे चले जाते हैं। जब हम बैठते हैं ऐसे मेडिटेशन, और पूरे दिन होता है ये, सूर्य कभी पास नहीं होता है, बस सूर्य ऊपर ही रहता है, वो ऊपर ही आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। ओके है? हाँ ओके है, अच्छी बात है ना मेडिटेशन। हाँ बस सूर्य को पास नहीं होने देते हैं, है ना? तो जैसे किसी ने कहा था, किसी तो हाँ, अगर कोई बोलता है ना कि जैसे लास्ट फ्राइडे किसी ने इसको बोला क्लास में कि सिस्टर बहुत भाग जाऊं, क्यों बैठी हूं यहाँ, चली जाऊं यहां से, ऐसे ऐसे फीलिंग्स ऊपर आ रही थी उनके। मैंने कहा बहुत सक्सेसफुल मेडिटेशन था, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि ये सारा दबा हुआ है अंदर, भरा पड़ा है अंदर, बॉडी के अंदर सेंसेशंस में और फीलिंग्स में सबसे ज्यादा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको हमारी लविंग अनकंडीशनल प्रेजेंस में वो हमें दिखे। कुछ भी हो जाए, आप एकदम, बाबा ने कहा ना, एकदम अचल अडोल एक रस अवस्था आत्मा की, आने दो, क्योंकि उसी को एक्सप्लोर करो, उसको एक्सपोज होने दो, उसके नीचे ही है, आप ही हो बैकग्राउंड में, कुछ नहीं है और उसके नीचे। ये बार बार इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम ठीक जाता है, फिर माइंड की स्टेट कुछ और हो जाती है, और फिर लगता है अरे मैं मेडिटेशन सही कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। चार दिन अच्छे जाएंगे, पांचवे दिन वापस डिस्टर्ब होगा माइंड, आज तो मैंने कुछ ठीक नहीं किया है, आज तो मेरा सब उल्टा जा रहा है। तभी समझा नहीं है हमने, अभी तक माइंड की स्टेट से आइडेंटिफाइड है। ये तो अंत तक होगा, है ना? तो यह गुप्त मेहनत है। कई बच्चे तो उस तूफान में भी, वो तूफान जो है, ये जो सब आ रहा है, क्या मैं लिविंग लाइट, जो स्थैर्यम, डेड साइलेंस एकदम, और कई बार ऐसी इंटेंस फीलिंग्स आती हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं बोलूंगी, सेंसेशंस में इतनी इंटेंस फीलिंग्स होती हैं कई बार, और इसने खुद ने अनुभव किया, और अभी भी कभी कभी होता है एकदम हार्ट के अंदर, स्पेशली इसके हार्ट रीजन में, बॉडी के एकदम ऐसी स्ट्रॉन्ग इंटेंस फीलिंग्स आती हैं, एंड इट्स ओके। मैं स्थैर्यम एकदम अचल अडोल एक रस बाबा के साथ, उसकी, बाबा की कोख में मैं मर चुकी ना, सेंसेशन से मेरा अपना कोई मैपन नहीं है ना, किसका हार्ट, कैसा हार्ट, कौन सी इंटेंस सेंसेशंस दिख रही है, महसूस हो रही है, फील हो रही है, मेरा सत्य थोड़े ही है, मुझे ये अनुभव को चेंज नहीं करना, आने दो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, जो भी दबे हुए आ जाओ भाई, आ जाओ। है ना? हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, पुचकार के प्यार से। आने दो, आप कौन हो? बाबा डेंटिस्ट है, बाबा रूट कनालिंग कर दिया। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। हाँ जब कोई थॉट्स भी आ रहे हैं तो उसके पीछे भी देखो, कौन कौन मैं, कौन मैं,
एकदम स्थैर्य, एक रस बाबा और मैं है, एकदम इतना प्यार मिल रहा है मुझसे उन फीलिंग्स को, उन दबी हुई जन्मों जन्मों की पार्ट में, माइंड की भाषा में जन्मों जन्मों की पार्ट में ये फीलिंग्स जो दबी हुई हैं, आने दो मेरी लाइट में सब कुछ, वेलकम। कोई थॉट भी आया कब जाएंगी वो भी वेलकम, क्योंकि नहीं जाने वाली। ओके, कम तो हो वो भी थॉट वेलकम। आप इंडिपेंडेंट हो ना, आप मुक्त हो ना, आपका तो नहीं है ना वो सत्य। हाँ, इसको कहते हैं एक रस, है ना। हाँ, पाप का घड़ा भरेगा तभी तो फूटेगा। हाँ बिल्कुल, वो भी मर्ज होना चाहती, उसी के वो आप ही से बनी हुई है और उसके नीचे भी आप ही हो और वो आप ही के अंदर से भी आई, ये इंपॉर्टेंट है समझ, है ना। तो ये बाबा ने एक चीज बोली थी। फिर बाबा ने ये भी बोला था दूसरी मुरली में 17 जुलाई की, कि पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अल्फ बे आदि थोड़े ही याद रहती है, वह भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है, अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना, रिफाइन होती जाती है ना। बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है इस मुरली में कि बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं, पहले हल्की पढ़ाई थी अब बाप गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तो हमें पता चल जाता है साकार मुरली में भी कौन सी बातें ये पहले की मुरली होगी, ये थोड़ी अब और गुह्य बातें हो रही हैं बाबा की, है ना। तो पहली बातों को नहीं पकड़ना, इतनी अपनी समझ होनी चाहिए अब। नहीं बोल सकती होनी चाहिए, मेरे लिए बोल रही हूं मैं, होनी चाहिए। इतनी समझ हो, इसको तो एथलीट लगता है खुद के लिए कि दिखता है। हाँ, बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते, पहले हल्की पढ़ाई थी अब बाप गुहे गुहे बातें सुनाते रहते हैं, ज्ञान का सागर है ना। सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में दो अक्षर कह देते, अल्फ को समझा तो भी काफी है। सिर्फ एक बाबा को जाना वो भी काफी है, अल्फ को जानने से बे को जान ही लेंगे, है ना। इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है ना। हाँ जी, बाबा को जाना सब कुछ जान लिया, क्योंकि बाबा को जाना मतलब क्या, हमने है ना कल एक क्वेश्चन पूछा था जो कल इंग्लिश क्लास में थे, वो प्लीज जवाब नहीं देना। थोड़ी देर बाद पूछते हैं वो क्वेश्चन। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि सब एक रस याद नहीं करेंगे, यह बहुत सूक्ष्म बात है, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे, कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं, यह बातें हैं बहुत गुह्य महीन। आत्मा का योग बाबा के साथ है या इकबाल का योग बाबा के साथ है, आत्मा का है तो अचल अडोल एक रस चाहे कुछ भी हो जाए, थॉट का स्वरूप बनकर फीलिंग का स्वरूप बनकर फिर बाबा से योग है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये गुह्य महीन बात है,
समझना है किसका योग बाबा के साथ है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है ना, शरीर को नहीं देखना है, स्थूल शरीर नहीं, अपने अंदर भी जो सेंसेशंस हो रही उसको अपना नहीं मानना है, ये है शरीर को नहीं देखने का मतलब। ये बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत है जो बाप को कभी याद भी नहीं करते। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है, वह अपने पास रख कर क्या करेंगे। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं, वह भी आत्मा तुम भी आत्मा, फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे फिर वह शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, सब कुछ दे दिया फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का, जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े ही टपकेगा। बाबा बता रहे थे ना मैं यही बात, एक दिन ऐसा आएगा जब बाबा को न देने के लिए कुछ न मेरे पास लेने के लिए कुछ है ना, उसी के नेक्स्ट डे बाबा ने ये मुरली चलाई थी है ना। तो इसलिए बाबा जो हमें कह रहे ना कि अभी भी मैं आत्मा बाबा के साथ अपने जो साइलेंट डेड साइलेंस के सत्य को जो जानती है, वो बैकग्राउंड में हमेशा ही है, कभी वो डेड साइलेंस का सत्य गायब नहीं होता, वो सुन का सत्य कभी गायब नहीं हो सकता। तो जो वो जो है मेरा जो सत्य, उसमें एक्चुअल में क्योंकि न देने के लिए न लेने के लिए कुछ है, ऑटोमेटिकली ऐसे ही लगता है कि सब कुछ जैसे बाबा ही बैठ गया है। क्योंकि आपकी कोई जैसे सेपरेट आइडेंटिटी है ही नहीं, ये फीलिंग होती है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि जितना अपने उस सत्य को जानते हो, एक मिनट, ये क्या रंग है बताएंगे, कितने रंग है यहाँ, क्या चीज, कितने रंग हैं, सारे रंग, ओके, एक रंग, हाँ, ओके, ओके, यहां कितने रंग हैं, यहां कितने रंग हैं, तीन हैं, तीन हैं, तीन हैं, तीन हैं, दो है, तीन है, ओके, वेरी गुड। यहां कोई रंग नहीं था, यहां दो रंग है, कैसे, दो रंग कैसे कि ये जो तीसरा है ना, ये बैकग्राउंड है इन दोनों रंगों का भी, पर क्योंकि हमें अनुभव जैसे ही थॉट्स फीलिंग्स जैसे ही मैं लगते हैं, तो हम सोचते हैं मैं जो बैकग्राउंड हूं ना, मैं जो सभी रंगों का बैकग्राउंड हूं, वो भी एक जैसे कोई रंग है, चार रंग में से एक रंग मैं भी हूं। नो, आप बैकग्राउंड है सभी अनुभव का, आपके ऊपर अलग अलग रंग आ सकते हैं, कभी कभी छंट कर एक रंग भी दिख सकता है, आपका जो बैकग्राउंड है थोड़ी मोमेंट के लिए फील हो सकता है, पर एक्चुअल में दो रंग है यहां, ये रंग नहीं है। ऐसे ही आत्मा जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर सिर्फ दो स्टेट्स हैं, ड्रीम स्टेट और वेकिंग स्टेट, ये जो अभी वेकिंग लग रहा है, अब अपेरेंट वेकिंग स्टेट, डीप स्लीप कोई स्टेट नहीं है, डीप स्लीप तो बैकग्राउंड है, एक्चुअल में मोस्ट अवेकन स्टेट है डीप स्लीप,
जब स्वप्न में कभी कोई स्वप्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एब्सेंस है सारी इमेजेस की, एब्सेंस है सब थॉट्स की, एब्सेंस है सब कुछ की, कोई कहानी नहीं है उस डीप स्लीप में। जब शरीर को सुलाते भी हैं, मैं तो स्थूल में बात कर रही, वो डीप स्लीप में मैं एक्चुअल में अवेयरनेस इज कंप्लीटली अवेक, और वो कोई इमेज एब्सेंस ऑफ इमेजेस है, एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस नहीं है, है ना। ऐसे ही ड्रीम आया तो भी अवेयरनेस फुली अवेक है, फुली प्रेजेंट है, बस इमेजेस और ऊपर आ गई है उसमें स्वप्न में। और जब हम अवेयरनेस बाबा के साथ नहीं अगर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड वेकिंग स्टेट है, उसमें हम सबसे गहरी नींद में होते हैं। लगता है आपको सबसे गहरी नींद है ये? अभी क्या था, मैंने पढ़ा नहीं ऊपर, इज वॉट ओके? मे बी आप अगर मैसेज वापस डालेंगे तो बाबा जो हमें बता रहे हैं, बाबा हमें कह रहे हैं कि डीप स्लीप रिपीट करें। अच्छा, हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पहले इकबाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकबाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जागृत अवस्था है, मैं अभी बात कर रही हूं, मैं चल रही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं पी रही हूं, ये जागृत अवस्था है, राइट? फिर मैं एज इकबाल सोने जाती हूं, तो मुझे स्वप्न आता है, तो मुझे लगता है मैं स्वप्न की अवस्था में हूं। फिर मैं एज इकबाल बहुत गहरी नींद में सो जाती हूँ, कोई सपना ही नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं चला कितनी गहरी नींद आई, कोई कुछ भी नहीं था, मुझे लगा बहुत गहरी नींद आई। मेरी तीन तीन स्टेट्स हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था और गहरी नींद की अवस्था, राइट? इकबाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? अच्छा, अब आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हाँ, देखें आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब वो गहरी नींद थी, उसमें सब एब्सेंट था, सारी इमेजेस भी एब्सेंट, सारे थॉट्स भी एब्सेंट, सारी फीलिंग्स भी एब्सेंट, कोई का सिर्फ प्योर अवेयरनेस। फिर नींद में सपना आया, आत्मा के लिए तो सेम स्टेट, आत्मा कॉन्शियसनेस सेम है, इसलिए हमें व्हाइट बैकग्राउंड दिखा रहे हैं ना, सेम है अवेयरनेस, सेम है। उसमें एक स्वप्न आया, मतलब जिसमें ये बॉडी ड्रीम स्टेट जिसको बोलते हैं, स्वप्न आया, उसमें थोड़े रंग आ गए ऊपर, लाल हरे पीले नीले, थोड़े रंग आ गए स्वप्न में। हाँ, तो वो जैसे कि हाफ ड्रीम स्टेट है आत्मा के लिए। अब जैसे ही बॉडी जागृत हुई, फुल ड्रीम स्टेट है आत्मा के लिए। क्यों? क्योंकि चला कौन रहा है? रंग चला रहे हैं। कहानियां बैठी हुई वो चला रही हैं, बिलीफ सिस्टम्स चला रहे हैं, ये डीपेस्ट ड्रीम्स, डीपेस्ट स्लीप है आत्मा के लिए। ये क्लियर हो रहा है किसको? नहीं हुआ? हाँ, सारा उल्टा है ये तो। एकदम, हाँ उल्टा है, इसलिए बाबा बोलते हैं मेरे साथ काम करो, क्योंकि बाबा को पता है ये सबसे गहरी नींद में है। मेरे साथ कर्म करो, क्योंकि उसको पता है कर्म करते हुए ही सबसे गहरी नींद में रहते हैं, नींद में तो फिर भी थोड़े जाग जाते हैं, कर्म करते हुए गहरी नींद में रहते हैं। तो बाबा के साथ कर्म में रहना, इसीलिए राजयोग कर्म योग है। बाबा के साथ कर्म करते हुए रहना मतलब क्या? कि कोई भी थॉट्स मुझे कलर नहीं कर पाएंगे, कोई भी एक्सपीरियंसेस मुझे कलर नहीं कर पाएंगे, कोई भी फीलिंग्स मुझे कलर नहीं कर पाएंगी, बाबा की ही कंपनी मुझे कलर कर सकती है। तो मैं आत्मा राजयोग में कर रही हूं,
टाइम डिस्टेंस स्पेस थॉट्स वो सब टेक ओवर कर चुकते हैं, नहीं है ना? हाँ जड़ हिल रही है, हाँ भ्रम की जड़ हिल रही है। तो जब आप किसी को देखते हो ना, तब पता चलता है कि कोई बात नहीं, अभी नींद में है, नींद में बोल रहे हैं, कोई गाली दे रहे तो नींद में बोल रहे हैं कोई कुछ कह रहा है तो नींद में कह रहा है, जानबूझ के कोई कुछ नहीं बोलता हाफ नींद मींस कि उसमें आत्मा के सामने इमेजेस और थॉट्स आ रहे हैं, पर उसमें वो उससे एकदम 100% पहचान नहीं बनाई हुई, उसको अभी तक ये नहीं पता है अपने आप को, वो रीनी मानकर नहीं चल रही है उस नींद में, रीनी है नहीं नींद में, तो हाफ नींद है ना। हाँ मैं आत्मा सबको टच करी तो वो जो व्हाइट है ना पीछे जो दिख रहा है एज अ रंग, वो अवेक स्टेट से रंग दिख रहा है, ये सो कॉल्ड वेकिंग स्टेट से इकबाल की नजर से वो एक रंग है, आत्मा के लिए वो बैकग्राउंड है, उसके ऊपर सारे रंग आते हैं। ये क्लियर हुआ? तो जब एक्शन में नहीं आ रहे ना, आप जागृत हैं, आपको वो स्वप्न स्वप्नवत रंग दिख रहे हैं, साक्षी होके सारी फीलिंग सारी थॉट सारी इमोशन साक्षी होके दिख रही हैं, तो आप उसके रंग में नहीं रंग रहे हो, तो आप नींद में एक्शन में नहीं आ रहे। हाँ जी बोलें सिस्टर यामिनी। अभी आपने कहा ना कि मैं आत्मा सब कुछ टच करती हूँ, बट मुझे कुछ टच नहीं करता। तो एक क्वेश्चन आया है कि जब मैं टच कर रही हूँ तो मुझे कैसे टच नहीं कर सकता, वो तो सेम बात हो जाती है ना। अच्छा ओके, इसलिए हम स्पेस का एग्जाम्पल देते हैं हमेशा। और टीवी स्क्रीन का भी देते हैं, स्पेस का जब एग्जाम्पल देते हैं तो हम हमेशा ही देखते हैं स्पेस को सब कुछ टच कर सकता है ना, और सॉरी स्पेस सब कुछ टच कर सकती है, क्या स्पेस को कूड़ा हो या गोल्ड हो स्पेस को खराब कर सकता है या बेटर बना सकता है? नहीं, नहीं। अच्छा टीवी की स्क्रीन पे चाहे सुनामी चल रहा हो, चाहे वॉर चल रहा हो, चाहे गालियां चल रही हो, चाहे बहुत रिस्पेक्टफुल सीन चल रहा हो, स्क्रीन को टच कर सकते हैं? नो, नहीं। नो। अच्छा तो आप कौन हो? आपने सोचा मैं तो लाल रंग हूं, मैं हरा रंग हूं, तो सफेद भी एक रंग होगा, अरे मेरे सफेद के ऊपर दाग लग गया। नो। आप एवर प्रेजेंट पीस हैं जिसके ऊपर अशांति का एक संकल्प जिसके अंदर से आया ऊपर, आपको दिखा, आपने उससे अपनी पहचान नहीं बनाई तो वो वापस अंदर चला गया, मर्ज हो गया, है ना? आपसे सब बने हुए हैं पर आप उससे नहीं बने हुए हो। हाँ जी ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन तो दिखेगी नहीं अगर मैं पर्सन इकबाल की नजर से देखूंगी, मुझे तो सारे लिखेगा, इतने छोटे छोटे बॉक्सेस कैसे बना दिए, इतने सारे सारे इमेजेस, इतने छोटे छोटे बॉक्सेस, इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं मेरे अंदर। अगर मैंने एज वन ऑफ द कैरेक्टर्स देखा अपने आप को, जैसे मान लीजिए स्क्रीन के अंदर एक एक फॉर्म बैठा हुआ है, माइंड से बना हुआ फॉर्म, हाँ वो फॉर्म जो बैठा हुआ है वो सोच रहा है इतनी सारी चीजें दिख रही है मुझे, इतने 50,000 संकल्प दिख रहे हैं, तो वो जो फॉर्म है बॉडी माइंड का स्क्रीन के ऊपर अंदर वो जो इमेज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यस स्क्रीन गंदी हो गई क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है वो इमेजेस के अलावा कुछ और, पर स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भले 50,000 हो, भले 4 हो, भले कुछ भी नहीं हो, स्क्रीन को कुछ होता है क्या? पर स्क्रीन ने सबको टच किया है, किसी इमेज ने स्क्रीन को टच किया क्या?
नो को इन्फ्लुएंस किया क्या? स्क्रीन को खराब किया? नो, तो जब बाबा कहते हैं आत्मा सभी अनुभवों को टच करती है, मतलब आत्मा निर्लेप नहीं है, पर आत्मा को कुछ टच नहीं करता, मतलब आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप है। जी। हाँ जी, नेहा को अनम्यूट करें। ओम शांति दीदी। दीदी, एक इसी से रिलेटेड जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि मुझ आत्मा को कोई भी चीज टच नहीं कर सकती या कोई भी मन का अनुभव प्रभावित नहीं कर सकता। तो दीदी, आज का अनुभव से एक ये पूछना चाहेंगी, क्या कभी कभी मन अगर आत्मा, जैसे मन की जो अल्टीमेट इच्छा है वो है आत्मा में मर्ज हो जाना आत्मा जी की, तो आज ऐसा हुआ कि आज सुबह से जैसे सिंस मॉर्निंग कर्म योग में थे, कर्म कर रहे थे बट विद नो थॉट एंड नथिंग, तो एकदम से जब टाइम मिला, ठीक है, तो बॉडी को ऐसे लग रहा था जैसे रेस्ट चाहिए, लेकिन मन कह रहा था मुझे ना साइलेंस में बैठना है, मुझे ना जैसे उस स्वरूप को जैसे वो खींच रहा था, अर्ज हो रही थी। तो ये अर्ज भी, क्योंकि आत्मा को तो कुछ हो नहीं रहा, आत्मा तो तब भी जब कर्म में आ रही थी, जब कर रही थी तब भी एवर प्रेजेंट थी, लेकिन जो मन खींचता है, ठीक है, वो जो अर्ज होती है, इज दिस माइंड वांटेड टू एक्सपीरियंस, मन वो आत्मा की साइलेंस को चखना चाहता है या वो मिस करता है, ये अनुभव भी, ये खींचना भी, क्या हम ये कहेंगे कि मैं प्रेजेंट एक्सपीरियंस से मन प्रेजेंट एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं रिजिस्ट कर रहा है इसलिए साइलेंस की तरफ जा रहा है, या फिर ये एक नेचुरल मन की इच्छा है अपने मालिक में जाकर मिलने का, तो ये थोड़ा इफ यू कैन एक्सप्लेन। या श्योर, बोथ आर राइट, येस एंड नो। आंसर इज येस एंड नो, राइट। हो सकता है कि इट्स नॉट कि आप एक्शन से भाग रहे हैं, बट इट्स जस्ट अ टेस्ट, है ना, जो एट द एंड ऑफ द डे इकबाल इज अमिताभ, राइट। और शूटिंग करके उसको लग रहा है करते करते कि नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू अ ब्रेक रूम, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके एंड देन आई एम कमिंग बैक। एक्शन से भाग नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे उससे ज़रूरत है, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेकिंग लिटिल बिट ऑफ अ साइलेंस ब्रेक, यू नो। तो माइंड अगर उसमें डिजॉल्व हो रहा है, आत्मा की फुल उसमें, उसको थोड़ा सा उसके फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन से साक्षी होकर अपने उस साइलेंस सत्य ब्रेक को ही समझना है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है ना। बट अगर मैं भाग रही हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट लाइक दिस एक्सपीरियंस, और मुझे उस एक्सपीरियंस से भागकर मुझे थोड़ा साइलेंस चाहिए, बिकॉज आई एम रिजिस्टिंग जो भी माइंड बॉडी का एक्सपीरियंस चल रहा है, वो थॉट रिजिस्ट कर रहा है उसको, देन नो दैट इट इज रिजिस्टेंस, है ना। तो उस रिजिस्टेंस का भी रिजिस्टेंस ना हो, तो उसको अगर मैं साक्षी होकर देख पा रही हूं, तो साइलेंट, तो यू आर ऑलरेडी देयर, यू आर एंड ऑलरेडी देयर। इसीलिए दीदी ऑटोमेटिकली मन बॉडी अमृत वेला भी उठती है, क्योंकि वो उसी हमारी सुन अवस्था को बहुत सहज ढंग से अनुभव, मन ही अनुभव कर पाता है हाँ ना। जी, तो दिस इज आई थिंक फाइन, राइट? दिस इज नॉट, जैसे आपने अभी कहा कि क्योंकि किसी अनुभव से नहीं हो रहा, ठीक है, अभी शरीर थक भी रहा था लेकिन फिर भी मन को था कि नहीं मुझे चखना है, तो दैट वाज नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। अवॉइडिंग, या नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है अगर दीदी, थैंक अवॉइड यू। नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो भी अनुभव है मैं संतुष्ट हूँ। अब मैं चाहे मैं सोफे पर बैठी हूँ थोड़ी देर और आराम से अपने सत्य को, मेरा मन और बॉडी दोनों चख रहा है, वंडरफुल, मैं तो एवर प्रेजेंट हूँ। अब उसी में मैं उठकर भले ही मैं बाहर जाके थोड़ा कर्म भी कर्म में भी बाहर अंदर तो कुछ नहीं है, पर मैं आत्मा, मेरे इस देह के द्वारा जो भी कर्म हो रहा है वो भी हो रहा है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
इट डजेंट मीन कि मैं कभी भी जाके साइलेंटली बैठूंगी ही नहीं. नो नो नो. बट इट्स नॉट अ रनिंग अवे अपने प्रेजेंट अनुभव से, है ना. तो यस अगर दीदी, मान थैंक यू. लीजिए, है ना, और नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत जबरदस्त तूफान भी आ सकते हैं. अगर उसमें भी अगर लग रहा है कि नहीं, मैं बैठकर उनसे भागना नहीं चाहती, मैं उनको एकदम अपने लविंग प्रेजेंस से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, वो भी प्रॉब्लम नहीं है. मैं उनको हटाने मिटाने की भी कोशिश नहीं कर रही हूं, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, बट दे नीड माई अटेंशन. लाइक मुझे अ मदर. एवर प्रेजेंट लविंग बींग का अटेंशन की जरूरत है उनको. कोई भगाना नहीं है, जब जाना है तब जाना, नहीं जाना है मत जाना, यू आर एवर वेलकम, है ना. तो भी आप बैठकर देख सकती हो, आत्मा बिठा सकती हो शरीर को, और एब्सोल्युटली देख सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बैठने में इंटेंशन क्या है, अरे मैं बैठूंगी, मेडिटेट, आई मेडिटेट देम अवे, तो फिर आप गलत इंटेंशन से बैठी हो, है ना. तो अमृत वेला भी क्या है, मैंने बाबा के साथ बैठी, कुछ अलग थोड़ी ना कर रही हूँ. अमृत वेला, इट्स द सेम थिंग थ्रू आउट द डेज. अमृत वेला जो भी आ रहा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं बॉडी की सेंसेशंस को, माइंड, बाबा के साथ मैं अचल अडोल आत्मा, एवर प्रेजेंट पीस. जो भी अनुभव आ रहा है, बाबा में मर्ज हो रहा है, आ रहा है, मर्ज हो रहा है. किसी को रुकना है, रुक के थोड़ी देर अपनी शक्ल दिखा रहा है, अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, दिखाने दो. मैं कौन हूं, मेरा इंटरेस्ट तो बाबा में है. बस और दीदी, एक ही डिफरेंस लगता है कि जब हम बैठकर अमृत वेला करते हैं तो कर्म इंद्रियां नेचुरली स्टिल होती हैं. तो वो जो कर्म इंद्रियों की मूवमेंट है ना, वो वैसे तो आत्मा को इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता, लेकिन वो एक नेक्स्ट जैसे उसका प्रभाव पड़ता है. तो और कर्म योग में आते हैं तो क्योंकि कर्मेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स और सारे एक्टिवेट होते हैं, तो वो बैकग्राउंड में लगता है और अमृत वेला में वो फोरग्राउंड में लगता है, बट है सेम ही. एग्जैक्टली सेम है. एंड अमृत वेला इज नॉट द स्टार्ट ऑफ द डे. पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टार्ट ऑफ मेडिटेशन है, इकबाल के पॉइंट ऑफ व्यू से. और बाबा को पता है कि इकबाल अभी थोड़ा सा स्ट्रांग है ना. पर इसीलिए बाबा हमें बोलते हैं कि अमृत वेला भी जब बैठते हो, तो कौन बैठा है, बैठा कौन है. इट्स नॉट अ स्टार्ट, इट्स अ कंटिन्यूएशन. ब्रेक हुआ कब था अमृत वेला, नींद में भी आत्मा तो आत्मा ही थी, ब्रेक तो कभी हुआ ही नहीं. तो बीइंग ऑफ लाइट की बॉडी की स्टेट्स और माइंड की स्टेट्स चेंज हुई है. मे बी वो फ्रेशर स्टेट ऑफ माइंड है अमृत वेला, एंड अ फ्रेशर स्टेट ऑफ बॉडी है, पर आत्मा नहीं वो है चेंज, आत्मा सेम है. माय गॉड, ये दीदी बहुत सटल है, क्योंकि हम उस फ्रेश स्टेट से आइडेंटिटी बनाते हैं, इसलिए हमें लगता है बनाते उस हैं. टाइम. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. इसलिए फिर गिल्ट भी खाता है, अरे मेरा अमृत वेला ठीक नहीं हुआ तो पूरा दिन खराब जाएगा. नो, इट इज अ कंप्लीट पर्सन पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण है पर्सन का. खराब अच्छा क्या होता है, कुछ भी तो खराब अच्छा नहीं है. मैं बीइंग, ठीक है, बॉडी की वो ड्रीम स्टेट और वो स्लीप, बॉडी की जो स्लीप बॉडी के अनुसार वो थी, मैं आत्मा तो फॉर एवर प्रेजेंट पीस. देखते हैं अब इस बैठी हुई स्टेट में क्या आता है बाबा के साथ. इंटरेस्ट मेरा अपने सत्य में, आएगा जाएगा, चल रही है जैसे माइंड की मूवी चल रही है, और बॉडी माइंड की मूवी चल रही है. हो सकता है कहीं यहाँ दर्द हो, वहां दर्द हो, कुछ हो, क्या फर्क पड़ता है. फर्क पड़ता है कि सेंसेशन. एक क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड आया है कि क्या यह हो सकता है कि इस बात में कि कहीं ना कहीं ऐसी प्रोग्रामिंग हो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस और आज बिजी रहे और नहीं, कि तो सटल वे में वो खींच रही है. मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया. किसी को समझ आया?
दीदी वो कह रहे हैं कि सूक्ष्म में हो सकता है मन ने ये बिलीफ सिस्टम किया हो कि अमृत वेला या बैठना ठीक है जरूरी है, और सुबह से क्योंकि हम कर्मों में हैं इसलिए हम बैठे नहीं, तो इसलिए अब जैसे ही समय मिला तो मन उस बिलीफ सिस्टम के कारण, उस सूक्ष्म पहचान के कारण उस तरफ साइलेंस की तरफ जा रहा है, ये भी हो सकता। और ये अमृत वेले से भी पहले क्वेश्चन है जो आपने कहा ना कि इट्स ओके अगर मैं चाहती हूँ कि 2 मिनट में अपने सत्य को टच करूं एंड देन, तो लाइक सब सम अप करके ये क्वेश्चन है। अच्छा, हमने तो ये कहा था मैं चाहती हूँ, नहीं हमने कहा था मन चाहता है। देखो फर्क है, मैं तो मैं हूँ, आत्मा हूँ, हाँ एवर है ना। मन को मेरे साइलेंस को चखना है, मैं 2 मिनट सोफे पे जाके बैठी हूँ, मैं तो वही हूँ ना, मैं कहाँ चेंज हो रही, मैं तो चेंजलेस बैकग्राउंड। और उसमें मुझे लग रहा है कि ओके फाइन, बॉडी एंड माइंड नीड सम रेस्ट, गिव इट सम रेस्ट, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं अनुभवों से नहीं भाग रही हूँ, जो भी प्रेजेंट मोमेंट का अनुभव है वो ही परफेक्ट और एक्यूरेट है। ये जब रेकग्नाइज कर लिया ना, जो हम बोलते हैं ना कि ईगो इज अ सेपरेट एंटिटी, किल द ईगो, हम नहीं बोलते हैं पर जनरली अगर बोला जाता है तो कि किल द ईगो, वो करो ये करो, इट्स नॉट, देर इज नो ईगो टू किल, देर इज नो एक्सपीरियंस टू किल, देर इज नो एक्सपीरियंस खराब है। देन व्हाई डज बाबा इंसिस्ट सो मच फॉर अमृत वेला के लिए, बाबा इतना ये क्यों करते हैं? हाँ क्यों करते हैं, क्योंकि अभी कहाँ हैं हम, यहाँ हैं, अपने आप को क्या समझ कर चलते हैं, इकबाल। अब ये इकबाल ने पॉइंट सुना तो उसको वो कैसे लेगा, वो मत उठो, फिर जब अमृत वेला होगा तब कर लेंगे। ये है, इकबाल सुनेगा इस पॉइंट को। ये आत्मा जो कि इकबाल का स्वरूप बनकर इस पॉइंट को सुनेगी। अच्छा कहाँ जरूरत है, 8 बजे उठो आराम से, अमृत वेला तो जब मैं उठूंगी तब शुरू हो जाएगा। ये कौन सुन रहा है, बीइंग ऑफ लाइट जो एवर प्रेजेंट है वो कैसे सुनेगी। जो भी श्रीमत है वो फॉलो करनी है, और सारा दिन अमृत वेला है, सारा और उसको दिन जिसका अमृत खींचेगा, बड़ा उसका नेचुरल खींचेगा, इंस्टिंक्ट होगा। नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा, आत्मा को बाबा की खींच होगी, क्योंकि उसकी मत मेरी मत, अपनी मत तो है ही नहीं उसमें, बिल्कुल। है ना। अगली बार हाँ तरुणा को पहले अनम्यूट करें कि एक क्वेश्चन है कि ये मतलब दो तीन लोगों ने लिखा है कि वुड यू प्लीज रिपीट 3 स्टेट्स ऑफ वेकिंग डीपेस्ट हाफ स्लीप। अच्छा अच्छा ये देखते हैं हम इस एग्जाम्पल से। ये है इकबाल, इकबाल कौन है, इकबाल कौन है, अमिताभ लिटरली इकबाल कौन है, अमिताभ है ना, उसका कॉन्ट्रैक्टेड सिकुड़ा हुआ श्रंक फॉर्म, मतलब अमिताभ ने अपने आप को जो स्क्रिप्टेड फीलिंग, स्क्रिप्टेड थॉट्स, स्क्रिप्टेड इमोशंस है उससे अपनी पहचान बनाई, राइट। तो बाबा जी उसको बोलते हैं अब अगर वो इकबाल समझकर जीवन जी रहा है तो वो है डीपेस्ट स्लीप, बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हाँ बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे गहरी नींद है जब अमिताभ अपने आप को इकबाल समझकर चल रहा है, बैग उठा रहा है, कितना बोझ उठाता हूं मैं, इतना काम करता हूं मैं, थक जाता हूं शाम को, वाइफ भी ध्यान नहीं रखती है मेरा, खाना भी बना के नहीं रखती मेरे लिए, वो है डीपेस्ट स्लीप अकॉर्डिंग टू बाबा। फिर एक बार सोचता है अच्छा मैं बहुत थक गया हूं आज, मैं थोड़ी देर सो जाता हूं, तो बाबा को लगता है अरे भाई थोड़ा मौका मिला है इसको उठाने का, आधी नींद आधी नींद आधी नींद उठी है, आधी नींद अभी तक है। क्योंकि इकबाल आइडेंटिटी ड्रीम में साथ में नहीं जाती है, जाती है साथ में नहीं, ना इकबाल की बीवी नहीं जाती है जो काम नहीं करती है उसका, ना इकबाल की माँ जाती है जो बीमार है,
वो कोई नहीं जाता है स्वप्न में उसके साथ, हम्म, उसकी कूली की दुनिया भी नहीं साथ में जाती, कूली की जो माइंड मेड दुनिया है वो भी साथ में नहीं जाती है, कुछ और ही दुनिया होती है, हाफ स्लीप। फिर एक मौका ऐसा आता है नींद में, जो एकदम गहरी नींद में, कोई स्वप्न भी नहीं, वो बाबा के लिए है डीपेस्ट अवेकनिंग। वो स्टेट होती है बिटवीन टू ड्रीम्स, वो टाइमलेस स्थिति होती है डीपेस्ट स्लीप इकबाल के लिए। उसका टाइम नहीं है कि उसको मैं देख सकूं 4 सेकंड डीप स्लीप थी कि 10 मिनट की डीप स्लीप थी या 2 घंटे की डीप स्लीप थी, उसको टाइम नहीं दे सकते हम, क्योंकि वो टाइमलेस ट्रुथ होता है ना, वो है डीपेस्ट स्लीप इकबाल की। तो अगर वो 1 सेकंड माइंड की भाषा में होती है ना, तो वो बहुत उठता है ना इकबाल, तो उसको लगता है मैं कितना फ्रेश उठा हूं, आज तो मैं बहुत गहरी नींद सोया, भले ही वो तीनों स्टेट्स के थ्रू गया उसकी इकबाल के अनुसार। हाफ स्लीप क्लियर नहीं है, हाफ स्लीप में मतलब आधा ये इकबाल का जो वेकिंग स्टेट की जो आइडेंटिटी वो साथ में नहीं गई ना, पर फिर भी कोई ना कोई इमेजेस और थॉट्स तो चल ही रहे हैं ना, दैट इज हाफ स्लीप। क्लियर हुआ? हाफ स्लीप क्लियर हुई जिसने ये क्वेश्चन पूछा? रीनी अगर सोने गई है तो रीनी, आई थिंक ये क्लियर नहीं है। अच्छा अभी जब मैं मान लीजिए रीनी सोने गई, या जिसने भी क्वेश्चन पूछा वो सोने गया, एज दैट नेम एंड फॉर्म, स्वप्न भी चल रहा है, पर स्वप्न में वे आप कुछ और देख रहे हो, कुछ और ही दुनिया देख रहे हो, ये जो है ये नहीं है रियलिटी, ये स्टोरी नहीं है। हाँ ये पर्सन की स्टोरी नहीं है नींद में, ये पर्सन की जो कहानी जागते हुए, मेरे बच्चे मेरे पति मेरी प्रॉब्लम्स मेरा ये मेरा वो नींद में साथ में नहीं है स्वप्न में। क्लियर हुआ? ये तो ये साथ में नहीं जाती है, नींद आएगी नहीं, नहीं तो नींद, अगर रीनी जा रही है नींद में तो नींद ही नहीं आएगी है ना, अभी क्लियर हुआ? तो रीनी को तो निकलना ही पड़ेगा नींद में जाने से पहले, रीनी और रीनी की दुनिया नींद में नहीं जा सकती, ये है आधी नींद। अभी भी कुछ ना कुछ इमेजेस तो चल ही रही हैं, है ना, कुछ ना कुछ थॉट्स तो चल ही रहे हैं। तो बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से हाफ अस्लीप, आधा मरा है आधा अभी तक दूसरी और बातें चल रही हैं। ये क्लियर हुआ? है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर क्लियर हुआ? अच्छा अब है फुल डीप स्लीप, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो है बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से फुली अवेक, है ना। अब जब बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, सुनता कौन है? किसी किसी के केस में वेकिंग स्टेट ऑफ इकबाल, किसी किसी के केस में हाफ ड्रीमिंग इकबाल, और किसी किसी के केस में डीप स्लीप वाला। हाँ? और डीप स्लीप वाली जो आत्मा है वो दोनों स्टेट्स में, वेकिंग स्टेट में भी है और ड्रीम स्टेट में भी है। डीप स्लीप इज नॉट अ स्टेट, इट इज प्योर कॉन्शियसनेस विद नो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। है ना, अभी क्लियर हुआ? जी देखो कितनी गहरी नींद है ना हमारी, इकबाल समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इकबाल समझ के चल रहे हैं हम अपने आप को आज तक भी इकबाल इज द ड्रीम स्टेट, मतलब रीनी अगर मैं अपने आप को पूरा दिन समझ कर चल रही हूं, मैं स्वप्न हूं, स्वप्न का स्वरूप है ये, थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस सेंसेशंस, ये स्वप्न चला रहा है मुझे, मैं अपने आप को किसी की पत्नी किसी की माँ, मेरे बच्चे का ये हो गया तो मैं खुश हो गई, ये सब ड्रीम स्टेट है। आंखें भले ही खुली दिख रही है, मुंह भले ही बोल रहा है, टांगे भले ही चल रही है, हाथ भले ही चल रहे हैं, पर एक्चुअली यू आर ड्रीमिंग, द सोल इज ड्रीमिंग,
तो बाबा के साथ रहना मतलब कि बाबा के साथ कर्म करना मतलब अपने उस सत्य को जानना जो कि टाइमलेस सत्य है, थॉटलेस सत्य है, बियॉन्ड टाइम डिस्टेंस एंड स्पेस का सत्य है। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इसके पार्ट में फैमिली अभी गई थी ना 2 ढाई हफ्ता, माइंड की भाषा में बता रही हूँ पहले स्टोरी, 2 ढाई हफ्ता बाहर गई थी। इसको भी बोला था पर ये नहीं गई, मुझे लगा क्लासेस मिस हो जाती हैं फिर, नहीं तो सारी छुट्टियां ही छुट्टियां होती रहेंगी, नहीं तो उनके हिसाब से चले तो। हाँ फिर तो ये नहीं गई पार्ट में। तो वो 2 ढाई हफ्ते बाद वापस आए तो उन्होंने कहा यू आर ऑल बाई योर सेल्फ, आपको लगा नहीं आप बिल्कुल अकेले हो, वर यू ओके? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं चला 2.5 हफ्ते भी कहाँ चले गए, ये 2.5 हफ्ते आपके अनुसार है, मेरे अनुसार एक सेकंड भी नहीं मिस हुआ बीच में कुछ भी। क्यों? क्योंकि आत्मा अगर बाबा के साथ है तो उसको ये फील ही नहीं होगा वो अकेली है, या कोई कहीं गया है, कोई आया है, कोई कुछ हुआ है, कुछ फील ही नहीं होता है। टाइम डिस्टेंस स्पेस से परे है आत्मा। बाबा की कंपनी में आप सब कुछ कर रहे हो, बाबा के साथ सब कुछ कर रहे हो, अगर कोई थॉट फीलिंग आई भी वो देखी साक्षी हुए, बाबा ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर बाबा के साथ ही हूं, तो आई एम फॉर एवर द सेम। भले ही मेरे कलरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस अलग अलग आ रहे थे अंदर से और वापस मर्ज हो रहे थे, आ रहे थे मर्ज हो रहे थे, पर मैं तो वहीं के वहीं हूं, मैं कहीं नहीं गई, वो कहीं नहीं गए, हम साथ में ही तो हैं, अलग कब हुए थे? हुए थे क्या अलग? कोई कहीं गया था क्या? क्योंकि मन ने, मन को भी एक्चुअल में भाषा नहीं है कि वो वहां गए हैं, इतने दिन हो गए हैं, या ओहो आज 2 दिन हो गए फोन नहीं आया उनका, नो अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है आप ऑलरेडी साथ हो, देर इज नो टाइम, देर इज नो डिस्टेंस, नो स्पेस। आपको पता है मैं आत्मा कहाँ स्टार्ट हुई और आप मैं कहाँ खत्म हुई, फिर आपकी आत्मा स्टार्ट हुई फिर आपकी आत्मा कहाँ खत्म हुई, ऐसे पता है क्या कुछ? कोई बाउंड्री है क्या? ये आत्मा यहाँ इतनी इतनी में ये आत्मा है, इतनी में ये आत्मा है, इतनी में ये आत्मा है, नो। आई एंड यू आर नेवर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, हम कभी एक दूसरे से अलग होते ही नहीं। तो अंदर से फीलिंग भी नहीं आती है ये समझ से कि कोई मैं दूर हूं, वो मुझसे दूर बैठे हैं, कहीं बहुत दूर चले गए हैं मुझसे, नहीं होता है, ऐसी आती नहीं अंदर। होता है क्या? होता है? 4 दिन हो गए कहाँ चले गए? तो बाबा के साथ मतलब अवेकन, तो बाबा की कंपनी ये कमाल करती है। नहीं थॉट इसके तो नहीं आया, सच्ची बता रही है, एक या आध 2 बार आ गया होगा, पर वो लगा अच्छा देखो बाबा स्वप्न क्रिएट करना चाहता है ये थॉट, जैसे कि कोई कोई इमेज और फॉर्म्स कहाँ रह रहे हैं, मेरे माइंड में ही तो रह रहे हैं ना, कौन हस्बैंड कौन बच्चे कहाँ रहते हैं, वो मेरी मन की बनाई हुई फॉर्म और इमेज में ही तो है, मेरे परसेप्शन में ही तो है, कहाँ है कहीं बाहर, दिखाओ तो मुझे। है कोई बाहर, कोई हस्बैंड कोई बच्चे हैं बाहर, हैं क्या बताओ? नहीं है पक्का? अगर पक्का नहीं है तो फिर ये जो दूसरी ड्रीम क्वालिटी की थॉट्स और फीलिंग्स और इमेजेस आती है ना, हाय उसने मुझे फोन नहीं किया, मेरी परवाह ही नहीं है, मुझे पूछता ही नहीं है, मेरे लिए कुछ करते ही नहीं है, मैं तो जैसे हुई ही नहीं, ये सब क्या लगेंगे अगर आ भी गए, इसके तो नहीं आए पर अगर किसी के आ भी गए तो ये थॉट्स क्या लगेंगे आपको? ये है इकबाल, ये आवाज इकबाल है।
और जब मैं बाबा के साथ होती तो ये आवाज मुझे बाबा के साथ बहुत क्लियरली अलग से दिखाई देती है, ये है आवाज जो ड्रीम स्टेट है। समझ आ रही? इकबाल कौन है? इकबाल इज नॉट समथिंग यू कैन टच। इकबाल इज अ बिलीफ, इकबाल इज अ थॉट, इकबाल इज अ फीलिंग। हम सोचते हैं ये बॉडी, ओ सॉलिड बॉडी, ये रिनी इकबाल, इसको इसको हटाओ। अरे इसको काहे का हटाओ, ये रियल है ही नहीं, ये तो आत्मा का एक फॉर्म है। आत्मा ने एक फॉर्म अपने माइंड के थ्रू इसे, इसको एक सॉलिड फॉर्म देख रही है। एक्चुअली दिस इज अ सोल, एंड थ्रू सीन थ्रू द माइंड इट लुक्स लाइक सॉलिड फॉर्म, एंड माइंड के परसेप्शंस ऐड हो जाते हैं तो लगता है एक स्टोरी ऐड हो जाती, ये एक्चुअल में आत्मा है, बस उसको फॉर्म जो सॉलिड दिख रहा है ना वो हम 4D माइंड के थ्रू देख रहे हैं, इसलिए सॉलिड दिख रहा है और कोई रीजन नहीं है। तो ये जो इकबाल को जो समझ गया ना कि ये आवाज जो है मन के अंदर जो बोलती है बातें, ये ड्रीम स्टेट की इफेक्ट क्रिएट करती है। तो भले ही बॉडी चलाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? मन बोल रहा है, बॉडी यहां से वहां चल रही, वहां से यहां जा रही, फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यू लिव अ लिबरेटेड लाइफ, है ना? जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक और उससे भी पता चल जाएगा। जैसे डॉटर पार्ट में है ना, उसने फोन किया कि मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है हार्ट में। और उसने बोला कि वो कहीं और दूसरी कंट्री में रहती है, और वहाँ पे एकदम एकदम से ना कोई डॉक्टर्स वगैरह क्या होता है वहाँ, NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज के हिसाब से हॉस्पिटल्स होते हैं। तो उन्होंने बोला अभी हम 24 आवर्स वेट करेंगे। तो उसने फ़ोन किया पैनिक होते हुए कि मेरे बहुत जबरदस्त यहाँ पे पेन हो रहा है, और वो पेन धीरे धीरे लेफ्ट हैंड में जा रहा है, मुझे लग रहा है मुझे तो हार्ट अटैक ही आ रहा है। हाँ वैसे पैनिक होके बोल रही है। और मैं आत्मा देख रही हूँ यहाँ, और मैं बाबा के साथ देख रही हूँ, और मैं मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है बाबा के साथ, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि बाबा को कैसे दिख रहा है। बाबा को दिख रहा है कि वो एक लिविंग बीइंग है, उसके अंदर एक सेट ऑफ संस्कार्स हैं, वो बस एक बॉडी के फॉर्म में सॉलिड माइंड को दिखते हैं, ये सब दिख रहा है। कुछ भी सॉलिड तो है नहीं, कुछ भी मर तो रहा नहीं है, जी तो रहा नहीं है, बस ये दिख रहा है कि एक लिविंग बीइंग है और उसका एक एक्सपीरियंस चल रहा है। वो अपनी ड्रीम स्टेट में कहीं ना कहीं उससे अपनी पहचान बना रही है, वो स्वप्न के माध्यम से कुछ बोल रही है, ये दिख रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नेग्लिजेंट हो, दिख भी रहा है और फिर साथ साथ में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी निकल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी निकल रहा है, अच्छा वो पैनिक वैनिक तो मुझे पता है वो ड्रीम स्टेट है, पर वो जो दिख रहा है, ओके व्हाट इज अ प्रैक्टिकल थिंग आप कर सकते हो अभी, लेट्स टेक दैट। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, पता है होता ही नहीं कुछ, एक्सपीरियंशियली सिर्फ माइंड की कमेंट्री नहीं है कि ओहो आत्मा इमॉर्टल है मरती नहीं है, नो एक्सपीरियंशियली यू नो। तो और डीप अंडरस्टैंडिंग से यू नो कि ये सिर्फ उसके एक सेट ऑफ संस्कार्स है, अगर चेंज होने भी है तो दूसरा सेट ऑफ संस्कार्स पैदा हो जाएगा। हमने देखा था ना भंवर, आत्मा के अंदर कई तरह के 84 भंवर होते हैं, किसी के 84, किसी के 50, किसी के 40, तो उसका ये भंवर चेंज होके दूसरा भंवर आ जाएगा, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। आत्मा तो कहीं नहीं जाएगी, आत्मा तो वहीं के वहीं है ना, वी आर ऑलवेज टुगेदर, ये तो बहुत क्लियर था है ना। नहीं फियर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मुझे तब पता चला ये अंडरस्टैंडिंग कितनी अंदर घुस चुकी है। कितनी अंदर तक जा चुकी है ये अंडरस्टैंडिंग। तो फिर उसने ना
बस एक ये आया कि व्हाट इज अ प्रैक्टिकल थिंग प्रैक्टिकली दैट यू कैन डू, दैट यू विल डू इवन फॉर अ नेबर, जो आप अपने नेबर के लिए भी करोगे, किसी के लिए भी करोगे. तो प्रैक्टिकली उसको वॉक किया कि अच्छा सी इफ दिस इज अ पॉसिबिलिटी. और फिर ऐसे कुछ घंटा चला उसका, और फिर लास्ट में एक सोल्यूशन निकला, उसने सोल्यूशन निकाला. बट और पता चला कि लास्ट में जाके पता चला उसको इट वॉज जस्ट अ मस्कुलर पेन, कुछ भी नहीं था, मस्कुलर पेन था. बट डू यू सी वो ड्रीम स्टेट कैसे क्रिएट करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है. अगर आप बाबा के साथ हो, आप उस ड्रीम स्टेट में, चाहे सामने वाला सो भी रहा है, आप जागृत रह के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी लेंगे बिना किसी फियर, पैनिक, फियर ऑफ लूजिंग, नथिंग, कुछ नहीं आता सामने, कुछ भी नहीं. तो ये आप देखते हो बाबा का साथ और उसके ज्ञान की पावर अगर सही तरीके से अंदर जा रही है तो, और आप अपने ही ड्रीम स्टेट से साक्षी हो, आपको पता है ये ड्रीम स्टेट आपके अंदर है, आप अपने ड्रीम स्टेट से साक्षी हो, तो आप दूसरे की ड्रीम स्टेट से साक्षी होकर प्रैक्टिकली आप सॉल्यूशंस दे सकते हैं. इज इट मेकिंग सेंस क्या करता है बाबा? है ना? तरुणा को अनम्यूट करें, बहुत देर से वो हैंड रेज है पहले। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल. और तरुणा आप अनम्यूट करें। हाँ जी शांति दीदी, दीदी आवाज क्लियर आ रही बिल्कुल क्लियर है. है? हाँ जी दीदी, ये जो जैसे अभी आपने सेशन की शुरुआत में बताया कि हमारी शांति हमारे रिप्रेस्ड फीलिंग्स के नीचे दबी हुई होती है, जैसे आप अभी घबराहट का एग्जाम्पल बता रहे थे, आपने अपना एग्जाम्पल जो बताया, तो ऐसा इसके साथ भी हुआ है। और फिर वो जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, आपने क्लास में बताया था ना, ये सारे इमोशंस हमारे किसी न किसी जन्म में सप्रेस हुए हैं, वो फीलिंग सिर्फ बाहर आ रही है, ये एक पासिंग एनर्जी है, इसको लेबल भी नहीं देना। तो ये जब से सारी फीलिंग्स चल रही थी आज, तो इतना मतलब देखा इसने कि बोलना नहीं चाहिए, बट डर का संस्कार मतलब दिख रहा था कि बाहर आ रहा है। फिर बार बार याद आ रहा था कि जैसे आपने कहा है कि भाई आ रहा है ना, तो आने दो, ये अंदर मर्ज हो जाएगा। फिर आज आपने कहा कि ये रिप्रेस्ड फीलिंग्स है, इसके अंदर ही शांति दबी हुई है, यानी कि मैं आत्मा ही वही ना दीदी, एब्सोल्यूट मैं आत्मा, हमारी शांति मतलब मैं साइलेंस ही ना दीदी, है आत्मा ना इज इन द यही? बैकग्राउंड ना ऑलवेज, क्योंकि हाँ अगर मैं हाँ इस फीलिंग से आइडेंटिटी बना रही हूँ कि ये फीलिंग्स हाँ घबरा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर मैं उससे अपनी पहचान बना रही हूँ, तो उसके नीचे ही कौन है? आप ही तो हो, मैं, हाँ मैं बिल्कुल आप ही से भी बनी हुई भी आप ही से है, वो फीलिंग्स भी, जी वो जी आप उसको टच कर रहे हो यस, पर वो आपको टच कर सकती है नो, है ना? बिल्कुल। तो तो यू आर दीदी एवर. ये प्रैक्टिस, हाँ जी हाँ दीदी आप बताइए। नहीं बोले बोले. तो दीदी ये प्रैक्टिकली क्लियर समझ रहा है जब से मतलब कर रहे हैं कि मैं आत्मा अपने साइलेंस को भी फील कर रही हूँ, बाबा को अपने साथ भी बहुत अच्छे से हो रहा है, और साथ साथ में ये जो कुछ भी कोई भी पासिंग एनर्जी आती है उसको भी फील करे। अब ये आत्मा ने खुद के ट्रुथ को जानने के लिए मन से अलग, मन को अलग रखा है ना, कल आप ऐसा बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा शब्दों से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ दीदी। जो आपने कल कहा ना कि मन किससे बना हुआ है, मन भी तो आत्मा से ही बना हुआ है, तो मैं बिल्कुल. सोच रही थी इतने दिनों से हम मन को अलग कर रहे हैं, और सच में मन को अलग करने से ही मैं अपने ट्रुथ को जान पाई, मैं आत्मा अपने आप को खोज पाई, तो यहाँ बाबा को भी अपने करीब महसूस कर पाई ही हूँ, अभी तक भी ये हो रहा है। लेकिन फिर जब ये कल आपसे सुना ना, मन बना हुआ ही आत्मा से है, तो ये शब्द ने थोड़ा मन को कंफ्यूज कर रखा है। इकबाल किससे बना हुआ है? अमिताभ से
आत्मा जब अपने आप को किसी संकल्प फीलिंग में श्रिंक कर लेती है, अपनी पहचान बना लेती है, मतलब अपने आप को उस पॉइंट, जैसे हमने बोला ना कि अगर मैं आत्मा बाबा के साथ नहीं हूं तो क्या होगा, अरे ये इतनी कब आएंगे, 2.5 हफ्ते हो गए, मैं अकेली हूं, ये एक एक थॉट क्या है, इकबाल है। अब अगर मैंने इन थॉट से अपनी पहचान बनाई तो मैं उस मोल्ड में जैसे अपने आप को डाल दूंगी, है ना, उस मोल्ड में डाल दूंगी, फिर मुझे दुनिया उसी नजर से दिखेगी। पर अगर यही, मैं इसीलिए हम बोलते हैं ना कि पहले मन से साक्षी होना जरूरी है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल डिस्टेंस हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसको क्रिएट किए बिना आज मैं और मेरे थॉट्स जैसे एक ही हो गए हैं। ये थॉट्स मेरे अंदर एक्टिविटी है माइंड की, है ना। तो दीदी ये नहीं समझ रहा है, ये मन है ना अब इतना अलग होना चाह रहा है, मतलब हो भी रहा है। ये जो कल आपने कहा ना आत्मा मन का ही, तो मैंने कहा नहीं मन तो मैं नहीं, मैं आत्मा तो हूं ही अलग, मतलब अब इसमें हो रहा है नहीं, कि तो मन से इतना मतलब अलग आपने कैसे हो रहा घृणा है। कर रखी है कहीं ना कहीं मन से। घृणा हाँ घृणा नहीं, मैं अलग फील हो चुका है, नहीं, मतलब ये फील। दैट इज हाँ ओके। अगर मन से अलग है तो फिर उसको गले लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मन से अलग घृणावश है तो उसको गले लगाने में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम नहीं, शब्द ने कंफ्यूज करके रखा है बस, ताकि घृणा और प्यार तो नहीं, नहीं घृणा हो रहा है। होगी शब्द में कोई देख, अच्छा ठीक है, आपके कंफ्यूजन को ही देखते हैं, ये जो कंफ्यूज भी हो रहा है वो कौन है, ये भी मन ही है ना, इकबाल ही है ना। थॉट ही है ना। मन क्या है, व्हाट इज माइंड, व्हाट हाँ, एक थॉट ही है। इज माइंड, थॉट है ना। अच्छा, ये हाँ थॉट बिल्कुल, कहीं बाहर दुनिया से आ रहे हैं, बाहर कोई दुनिया है, सारी दुनिया यही रहती है। द हाँ होल जी, वर्ल्ड इज अ परसेप्शन। हमने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि कितनी रीनी दिख रही है, कितनी रीनी है, कितनी रीनियां हैं, बताओ मुझे कितनी रीनियां हैं, हाउ मेनी रीनीज आर देयर, जिसने इंग्लिश क्लास में वो जवाब दीदी नहीं दिया। हाँ, संकल्प और संस्कार या एक थॉट ही रिनी है ना कितनी दीदी, वो रीनी, तो कितनी अनेक रीनी है, रिनिया है। आंसर आंसर दो, स्क्रिप्टेड कितनी माइंड रीनी। जितना क्रिएट, स्क्रिप्टेड माइंड जितना क्रिएट करेगा गिव उतनी मी इन अ रिनिया। नंबर, गिव मी द आंसर इन अ नंबर, कितनी रीनीज है, नहीं ना दीदी, मल्टीपल ही आएगा, एक रीनी है, अच्छा मल्टीपल, अच्छा इन्फिनिट, मल्टीपल। अच्छा ये तो जो इंग्लिश क्लास में वो जवाब दे रहे, मुझे नहीं चाहिए उनका जवाब। प्लीज डोंट डू दिस, हाँ लेट अदर्स ऑल्सो गेट अ चांस। हाँ, अगर यहाँ पे 253 आत्माएं बैठी है तो 253 रिनीज है। अच्छा हाँ बिल्कुल, क्यों? मतलब बॉडी को ही एक थॉट ही है ना दीदी रेनी। नहीं, आप जैसे जिसको जिसको आप रीनी देख रहे हो, आपका परसेप्शन अलग है, ममता का परसेप्शन अलग, परसेप्शन अलग होगा, नीलम का परसेप्शन अलग होगा, ज्योति का अलग होगा, अनीता का अलग होगा, ऋचा का अलग होगा, मीना का अलग होगा, हर एक रीनी को अलग परसेप्शन से देखेंगे। तो क्या जो है वैसे दिख रहा है, या जो आपका परसेप्शन है उसके थ्रू सब कुछ दिख रहा है? दीदी मैं क्वेश्चन नहीं समझ, किसको नहीं समझ आया ये क्वेश्चन? दुनिया मुझे बाहर जैसी है वैसे दिखती है, या मेरा परसेप्शन होता है इस अनुसार दिखती है? नहीं मेरे परसेप्शन के अनुसार ही दिखती है ना दीदी। तो आत्मा जो है वो साइलेंट प्रेजेंस है, उसको जब तक अपना परिचय साइलेंट प्रेजेंस का नहीं है तो वो मन के साथ जुड़ी भी है, तो उसके लिए दुनिया 4D ही है। ट्रू, जब हम ज्ञान में आते हैं हम किस कैसे देख रहे होते हैं दुनिया को, मैं बॉडी तू बॉडी, मैं मेरा नाम तुम भी तुम्हारा नाम, मैं भी मेरे लेबल्स तुम भी तुम्हारे लेबल्स, उसने मेरे बारे में ऐसे सोचा तो मैं अच्छी हूं, उसने मेरे बारे में गंदा सोचा तो मैं गंदी हो गई, उसने मेरे बारे में बहुत प्यारा प्यारा सोचा तो मैं प्यारी हो गई, उसने सोचा मैं अच्छी नहीं हूं तो मैं खराब हो गई, यही तो है ना, कितनी सारियां मैं हो गई। दीदी तो
यही ऐसे ही था ना जब आप बाबा के पास आए थे हम सब, जी हाँ जी, राइट? संकल्प मैं अब बाबा आते हैं, बाबा बोलते हैं अरे तुम अलग, माया रावण अलग, मतलब क्या है? तुम अलग, माइंड अलग, माइंड के संकल्प, फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस तुम नहीं हो, बोलते हैं अलग करते, हाँ क्यों माइंड बॉडी के प्लेस से अलग करते हैं? क्योंकि उसी से हमने आइडेंटिटी बना के रखी है ना, उसके कारण हम अपना ट्रुथ ही नहीं पहचान पा रहे। अगर अब आत्मा अलग होगी, सबसे पहले देते हैं आत्मा का ज्ञान कि तुम आत्मा समझ, बाप को याद करो, फिर तूफान आएंगे, आने दो। तो अगर मैंने आत्मा समझ कर अपने आप को मन से अलग नहीं किया होगा तो क्या होगा एंजल? आत्मा समझकर मन से अलग नहीं, हाँ तो अगर मन मैं में समझ फर्स्ट जाऊँ। कर मन से अलग हुई तो मुझे मन से भी क्या होगा? प्यार, प्यार है ना? तो मुझे दिखेगा अच्छा ये संकल्प भी आ रहे हैं, ये फीलिंग्स भी आ रही है, ये घबराहट की सेंसेशंस भी हो रही है, ये तकलीफ भी, क्या क्या पता नहीं बॉडी में क्या क्या फील हो रहा है जो कभी पहले किया ही नहीं था, वो सब अब फील हो रहा है। हाँ, इन सब से प्यार होगा अगर आत्मा अलग हुई है तो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा है, आत्मा अगर अलग हुई है तो बहुत प्यार होगा उन सेंसेशन से, लविंग इनडिफरेंस, बेनेवलेंट इनडिफरेंस, कल्याणकारी इनडिफरेंस, लविंग इनडिफरेंस होगा। ये ड्रामा है मेरे लिए, लिविंग ड्रामा, बॉडी माइंड है। देर इज नो सच वर्ल्ड आउटसाइड कि मेरे, मैं एक दुनिया है और मैं उसको परसीव कर रही हूं, ऐसा नहीं है। मैं परसीव कर रही हूं वैसे दुनिया है ना? तो मैं अगर बॉडी माइंड की फीलिंग से अपने हर अनुभव को फिल्टर कर रही हूं तो मुझे दुनिया वैसे ही दिखेगी, है ना? तो अब आपने जैसे पूछा, अब अगर बाबा बोल रहे बॉडी माइंड से अलग हो जाओ, अलग तो हो तो रही हूं और बहुत चैन मिल रहा है। चैन किसको मिल रहा है? वो बहुत अच्छा लग रहा है माइंड बॉडी से अलग होके, अभी तक भी लास्ट लेयर ऑफ माइंड है क्योंकि वेरी गुड, नहीं नहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके क्वेश्चन से सभी को क्लैरिटी और हो जाएगी। तो दीदी सभी के बिहाफ में भी पूछ रहे हैं, मुझे किसी के मैसेजेस भी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टूड इट, है ना? तो अगर मैं आत्मा अलग हो रही हूँ माइंड से तो मुझे मेरे अंदर दिखेगा कि ये एक माइंड है, ये फीलिंग्स है, ये थॉट्स है, ये इमोशंस है, इनकी क्या गलती? ये भी प्रीस्क्रिप्टेड संस्कार्स है मेरे अंदर। बेचारों ने 2,500 साल मुझे मदद की है पार्ट प्ले करने में। अब मैं तो दयावान हूं, मैं तो मर्सीफुल हूं, तो मुझे तो इन फीलिंग्स पे भी लगता है कि देखो अब इनको भी बहुत थक गई है बेचारी काम कर करके, इनको भी अब रेस्ट देना चाहिए थोड़ा टाइम, नहीं? हाँ तो उनको रेस्ट कैसे मिलेगा जब आपका रेजिस्टेंस उनसे हटेगा, है ना? और रेजिस्टेंस कौन हटा सकता है उन फीलिंग से? जो खुद प्रेम का स्वरूप है, जो जिसको पता है कि मैं इन सबको टच कर सकती हूं, मैंने ही इनको यूज किया है, इनकी कोई गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं थी मुझे आत्मा की, क्योंकि मेरा पार्ट था उनको यूज करना। बाबा ने बोला ना किसी को दोष नहीं दे सकते, अपने मन को भी दोष नहीं दे सकते, है ना? तो ठीक है, मन मन के अंदर जो मन मन ही स्क्रिप्ट है, माइंड इज स्क्रिप्ट, मन के अंदर स्क्रिप्ट नहीं है, माइंड इज स्क्रिप्ट, है ना? फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, ये स्क्रिप्ट है ना? तो मैं आत्मा बाबा के साथ उस स्क्रिप्ट को देखती हूँ, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस जो भी आ रही, उनसे जितना मैं साक्षी, साक्षी मतलब ये नहीं कि ओहो हटाओ इनको, साक्षी मतलब लविंग, जितना बिग डिटैच, यस हाँ बिग यस, पूरे अनुभव को बिग यस। अब वो मेरे अंदर समा भी जाए, मन मेरे अंदर ही तो है, कहाँ जाएगा बेचारा, मेरे अंदर ही तो समाएगा ना। जी हाँ, तो वो मन से अलग हुई तो उसमें उसको भी श्वास मिली,
अब मैं आत्मा अपने सत्य के नेचर को भी पहचानी, और जब मैंने अपने सत्य को नेचर पहचाना तो मुझे उस उन संकल्पों से, उन फीलिंग से, उन सेंसेशन से, उन एक्सपीरियंसेस से कोई इच्छा नहीं कि ये एक्सपीरियंस हटा के ये लगाऊं और वो हटा के ये लगाऊं। मुझे पता है ये मेरे अंदर से आ रहे हैं और मेरे ही अंदर से आ रहे हैं। माइंड इज अ थॉट, दैट इज ऑल माइंड इज। बुद्धि इज नथिंग बट जस्ट एन इमेज, दैट इज ऑल बुद्धि इज। और जब मैं आत्मा अपने सत्य को जानती हूं तो मैं अपने आप ही अपनी प्योर बुद्धि, प्योर माइंड, प्योर संस्कार सब यूज करती हूँ, फिर वो मेरे सेवाधारी हो जाते हैं। हो रहे हैं बिल्कुल ऐसे होगा। हो तो रहे अगर थोड़ी ये सी भी अभी ये मन क्यों मेरा अंदर है, मेरा ही कैसे, मेरे ही अंदर कैसे, कहीं ना कहीं अभी भी वो लास्ट लेयर है, कहीं ना कहीं मैं माइंड हूं और मुझे ये बाकी माइंड पसंद नहीं है, बहुत सूक्ष्म में कहीं बैठा हुआ है। ये क्लियर हुआ? नहीं, हाँ दीदी क्लियर हुआ, लेकिन मन पसंद नहीं है, मतलब समझ ही नहीं रहा मन क्योंकि कैसे, मन मतलब मन हाँ को क्या नहीं पसंद दीदी, मन के कारण ही तो बाबा से स्वीट साइलेंस का अनुभव आत्मा कर पा रही है, तो मन एक्चुअल में तो पसंद नहीं। स्क्रीन तो हमेशा ही स्वीट साइलेंस है, चाहे कितनी भी इमेजेस आ जाए स्क्रीन पर, चाहे नो इमेजेस हो, स्क्रीन इज ऑलवेज इन स्वीट साइलेंस, हाँ डेड साइलेंस। मैं डेड बोलूंगी पहले, फिर वो बाबा की कोई फीलिंग आएगी, वो स्वीट साइलेंस फिर क्रिएट करती है। स्क्रीन इज ऑलवेज डेड साइलेंस। तो माइंड में कितनी भी इमेजेस हो, कौन बॉदर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम बॉडी में कितनी भी सेंसेशंस, आज बाबा ने बोला ना, रावण भी दुख देता नहीं बाबा सुख देते नहीं और रावण दुख देता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस थी आज की मुरली की। थैंक यू महालाया, है ना? रावण दुख देता नहीं, बेचारा रावण को दोष दे दे के उसको भी पता नहीं क्या बना दिया है हमने, कुछ नहीं है उसको रावण। इसलिए हम शब्द बोलते ही नहीं है इस क्लास में, हम बोलते हैं एक थॉट है, एक फीलिंग है, दैट्स इट, और एक सेंसेशन है बॉडी की, क्योंकि उसको हमने बहुत सॉलिड फॉर्म दे दिया है, नहीं तो उसको हमने इस बॉडी माइंड को ही हमने रावण बना दिया है। रिनी इज नॉट रावण। एक जस्ट थॉट है, एक फीलिंग है, दैट इज ऑल इट इज। क्योंकि वो आपको बहुत रियल लग रही है बॉडी के साथ एसोसिएट एसोसिएट, आपको लगता है एक रियल पर्सन हो गया है, जैसे कोई ये थॉट और पर्सन, इकबाल रियल हो गया। इकबाल इज अ वॉइस इन द माइंड ऑफ अमिताभ। अमिताभ के माइंड में जो आवाज है वो इकबाल है। ये क्लियर हो रहा है? तो वो आवाज से और जो सेंसेशंस वो फील करता है वो आवाज के साथ अपने प्ले के लिए, वो सेंसेशंस को जो वो फील करता है, जैसे उसका आवाज है गुस्सा करना है, पत्नी के ऊपर जाके गुस्सा करना है, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया मेरे लिए। हाँ, अब वो डायलॉग्स और वो जो फीलिंग है वो इकबाल है। जो सत्य नहीं है, हाँ, जो काल्पनिक है ना। काल्पनिक है वो आवाज और वो बॉडी की सेंसेशंस, दैट इज इकबाल। हम सोचते हैं इकबाल कोई सॉलिड बॉडी है और रूप है और बॉडी खराब, बॉडी खराब नहीं है, माइंड खराब नहीं है, माइंड हमारा दुश्मन नहीं है, बॉडी मेरा दुश्मन नहीं है, स्क्रिप्ट भी मेरी दुश्मन नहीं है, संकल्प भी मेरे दुश्मनी, मेरे पास तो दुश्मन ही नहीं है मेरे पास तो सब दोस्त ही दोस्त है, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, है ना? ये क्लियर हो जाता है ना? हम सभी दीदी मतलब एवर सभी सोल्स बहुत ब्यूटीफुल है, जैसे बाबा है वैसे हम सब है, तो सभी सोल्स ब्यूटीफुल, मैं भी ब्यूटीफुल, बाबा भी ब्यूटीफुल, तो फिर दुश्मन कौन किसका बनेगा, और जो सही, थॉट्स और फीलिंग्स है वो तो काल्पनिक है, तो दुश्मन बनने के एब्सोल्युटली लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास सही नहीं, दीदी, किसका
कौन इस किसका बने, कौन हाँ थॉट्स इसीलिए और ना जब कोई, फीलिंग किस हाँ इसीलिए जब कोई दूसरी आत्मा का जो कि इमेजिनरी स्क्रिप्ट, उसकी वॉइस और उसकी सेंसेशंस कुछ शब्दों में आती है, क्यों मुझे वो दुआ लगती है? क्योंकि मेरे अंदर जो ड्रीम फीलिंग्स हैं, ड्रीम थॉट्स हैं, ड्रीम सेंसेशंस हैं, उनको साक्षी होकर देखने का मौका नहीं, तो पता कैसे चलेगा मैं उसका स्वरूप बनकर ही जी रही थी? तो है? उनके उस ब्यूटिफुल थॉट फीलिंग वाला इकबाल जो है उनका, उसने मेरे अंदर के इकबाल को, थॉट फीलिंग सेंसेशन को मेरे सामने साक्षी होकर देखने का मौका दिया, तभी तो हमको उनके ऊपर गुस्सा और वो नहीं आता है, हमें उनके ऊपर बहुत प्यार ही प्यार, क्योंकि वो मेरा नेचर है। जैसे ही मैंने उसे साक्षी होके देखा, ऑटोमेटिकली मेरा प्यार भरा नेचर, वो प्यार जो मैं हूं, वो एक्सप्रेस होता है उनके प्रति, कि वो दुआ लगते हैं मुझे, वो मुझे मेरे जो अंदर जो नींद भरी हुई है, स्वप्न मात्र जो संकल्प और जो वॉइस और जो सेंसेशंस है, वो नींद है मेरे। अगर उसी भान में मैं पूरे दिन चल रही हूं, तो फिर बाबा बोलते तुम नींद की अवस्था में हो। इसलिए तो बाबा बोलता है मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे हर कर्म सुकर्म होगा, नहीं तो यस बेस्ट से बेस्ट कर्म भी मैं कर रही हूं, पर मैं एज रीनी कर रही हूं, रीनी नहीं बोलूंगी सॉरी, एज अ थॉट एंड अ फीलिंग, एज अ सेंसेशन कर रही हूं, तो फिर मैं, वो कर्म भी सुकर्म नहीं है, वो विकर्म है। क्लियर हुआ? हाँ दीदी एकदम। और वो थॉट ही दीदी बनाता है कि ये मित्र है, ये शत्रु है, या ये गलत, ये सही, ये थॉट है नेगेटिव, ये बस, थॉट, पॉजिटिव। हाँ थॉट है बस, जस्ट अ थॉट, नथिंग एल्स, हाँ है ना? दीदी एकदम क्लियर। अब आज सबको पता चल गया ना ड्रीम क्या है, ये जो अंदर बैठे, इसीलिए तो सबसे पहली हमारी हु एम आई एंड व्हाट आई एम नॉट, जब तक ये क्लियर नहीं है तब तक नींद में ही प्रैक्टिस चल रही है, इकबाल ही अमिताभ बनने की कोशिश करता है, विच इज ओके, करने दो, हो रहा है जो होने दो, बट एटलीस्ट नो कि ये प्रैक्टिसिंग इकबाल, ये जो थॉट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये थॉट ही नींद है ना? क्लियर हो जी रहा दीदी है? हाँ हाँ जी, दीदी एकदम क्लियर एकदम क्लियर। थैंक यू दीदी। थैंक यू फॉर ऑल द क्वेश्चन, है ना? ये है शुभ, अब पता चल रहा है ड्रीम स्टेट क्या होती है, अवेक स्टेट क्या होती है, हाफ ड्रीम स्टेट क्या होती है, पता नहीं, उल्टा ही सोचिए, हम उल्टी घोड़े चला रहे थे, हम सोचे थे ये तो जागृत है, फिर वो सोना, एक्चुअली ये शुभ है, वो जागृत है। ठीक है, बिल्कुल। अभी क्वेश्चंस लेंगे कि एंड करेंगे फिर कल लेंगे बाकी के क्वेश्चंस? अगर इससे रिलेटेड है तो आप, अगर आपको क्या लगता हाँ, है आप कॉल ले सकते एक हैं। क्वेश्चन चैट में आया है, जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो ये कह रही है कि जब उनका एक्सपीरियंस ऐसे है कि उनका बेटा गिर गया था उस टाइम पे, तो तब वो ओके थे, सेकंड बाय सेकंड वो देख रहे थे, उनको फियर भी नहीं आया और दुख भी नहीं हुआ वो चीज का, लेकिन बाद में उनको ऐसी फीलिंग आई कि ऐसे कैसे, हाउ हैव आई बिकम कोल्ड, आई मीन मैं इतना कोल्ड कैसे हो गई हूँ टू दैट सीन, तो हाउ टू डील विद दैट गिल्ट। अच्छा, वो गिल्ट भी क्या है, स्वप्न की दवाई, स्वप्न की गोली, उस गिल्ट की गोली को खा मत लेना, नींद में सो जाओगे फिर से, क्योंकि पुरानी भ्रांति क्या है, प्यार क्या होता है, किसी के दुख में दुख लेना, हाय मैंने उसके दुख में दुख नहीं लिया मतलब मैंने प्यार नहीं किया उसको, यही होता है ना, यही जी होता है ना, जी वो है बिल्कुल। पुराना बिलीफ कि हाय वो गिरा और मैंने ठीक रही, मैंने, मुझे फील भी नहीं हुआ, ये एक-एक थॉट नींद की गोली है, ये है इकबाल, एक-एक थॉट, पहन मत लेना उस संकल्प को, दिस इज टू बी सीन, यही तो है जो जितना डेड साइलेंस की स्मृति, स्मृति नहीं, डेड साइलेंस के सत्य में होगा, उसको ये एक-एक फीलिंग स्वप्न दिखेगी, एक-एक थॉट स्वप्न दिखेगा,
इसलिए डेड साइलेंस से स्वीट साइलेंस, और स्वीट साइलेंस से फिर साक्षी, है ना? ये है। बिल्कुल। ममता चौहान का ले लें एक लास्ट क्वेश्चन, फिर देखते हैं जैसे वो सिस्टर ममता। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। शांति, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी सिस्टर आ हमें रही है? आपकी आ रही है, आपको हमारी आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है सिस्टर। हाँ तो तो आप क्वेश्चन बोलिए। दीदी, बाबा आप एंजल के थ्रू हमको बहुत, हम आत्माओं को हमारे स्वरूप में जैसे स्थित कर रहे हैं, और एक जो आपने एक स्टार के अंदर जो एक एक इमेज वाला एक इमेज दिखाया था जिसमें अंदर घूमता है सब कुछ, मतलब कि मेरे अंदर ही सब ऊपर आता है और फिर नीचे चला जाता है, जो भी इमोशंस फीलिंग जो भी है, तो वो बहुत ही हेल्पफुल मेरे लिए तो रहा। अभी कुछ दिनों से मैं जब भी कुछ ऐसे बात आती है तो वो इमेज माइंड दे देता है और फिर वो सेटल हो जाती है चीज, जैसे वो टाइम। पर मुझे अभी उस टाइम बहुत डाउट आता है। अब वो डाउट भी इकबाल ही है, पता है उसको भी, मैं देखती हूँ, पर वो बार बार होता है। डाउट यही आता है कि ये मेरी नोइंग है आत्मा की, या फिर ये कहीं से स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट है जो जिससे मुझे ये समझ में आ रहा है, तो उसको इस भी मैं थॉट को भी देख बिल्कुल सकती हूँ। हाँ उसको भी मैं देखती हूँ, पर वो अगले सिचुएशन में फिर से वैसे ही मुझे लगता है। आने दो, अंत तक आएगा, आने दो। आप कौन है जो कि अवेयर है? किसकी इच्छा हो रही कि वो चला जाए? ये इच्छा हाँ किसकी? ये वो, इच्छा भी नींद है। ये बार बार क्यों आ रहा है? हाँ ये थॉट नींद है। हाँ, हाँ यस यस यस, हाँ ये ठीक थॉट है। भी नींद है। तो हाँ, क्यों आ रहा उससे है भी पता? हाँ करेक्ट, हाँ, गॉट इट, कि ये क्योंकि क्यों क्यों आ लग रहा है, जाएगी? तो हाँ ये ठीक। हाँ, ये क्यों की क्यों लग जाएगी? वो क्यों आ रहा है, मतलब उसका, उसको इच्छा है, वो आ रहा, आने दो। आप कौन हो? उसको देखने वाली इच्छा मात्र अविद्या आत्मा। आना है जब तक आता रहेगा, जाना है जब जाएगा। आपकी तो कोई इच्छा ही नहीं है। लविंग इनडिफरेंस। नहीं वही, बस वही था कि ये मेरी नोइंग है या ये फिर मतलब अभी भी, नोइंग के मतलब कि बिना कोई थॉट आ नहीं सकता। कोई एक्सपीरियंस पॉसिबल है लविंग एवर प्रेजेंट नोइंग के बिना? कोई भी एक्सपीरियंस पॉसिबल है? नहीं। तो नहीं, सब कुछ आपके अंदर ही ऊपर आ रहा है, आप ही के अंदर मर्ज हो रहा है। दैट्स इट। देयर इज नो टाइम डिस्टेंस स्पेस। देयर इज नो स्टे डिस्टेंस स्पेस हाँ ओनली, बट नो टाइम एंड नो स्पेस। जस्ट एवरीथिंग आपके अंदर इमर्ज होता है, आप ही के अंदर मर्ज हो जाता मतलब है। इस तरह से देख पाना भी, इट्स माई नोइंग ओनली, नो लाइक आई नो इट, एब्सोल्यूटली। दैट इज माई। हाँ उस स्टेप ओके के भी थोड़ा सा और पीछे जाएं तो आपका हाँ दिखे यू आर फॉर एवर प्रेजेंट, हाँ और आप हाँ ही के अंदर ये थॉट आया और आप ही के अंदर मर्ज हो गया। मतलब बॉदर तो कुछ कर ही नहीं सकता। आत्मा का नेचर क्या है? डेड बियॉन्ड ऑल साइलेंस दिस, नेचर क्या है? डेड सुन साइलेंस, सुन डेड साइलेंस। सुन, मतलब कंप्लीटली अनटच्ड, अनइन्फ्लुएंस्ड, बियॉन्ड थॉट्स एंड बियॉन्ड परसेप्शंस। ये परसेप्शंस बहुत बड़ी चीज है। हाँ, हाँ हाँ जी मैं आत्मा अगर डेड साइलेंस में हूं तो मुझे सारे परसेप्शन साक्षी होकर दिखे। परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट यू टच, टेस्ट, हियर, स्मेल, और क्या होता है, फील, है ना? भूल गए, पांच है, आपको पता है कौन से, है ना? हाँ जी ये पांच कर्मेंद्रियों का जो अनुभव है, ये है सेंस परसेप्शंस। इसके थ्रू हम एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, आत्मा, है ना? हाँ जी तो इसलिए जैसे ये हम सोचते हैं कि ये जग का अपना एक एग्जिस्टेंस है, ये कपड़े का अपना एक एग्जिस्टेंस है, ये पेंसिल का अपना एक एग्जिस्टेंस है। नो, मैं हूं, इसलिए मेरे परसेप्शन में ये एग्जिस्ट करते हैं। मेरे परसेप्शन में है ये।
बाकी देखो तो कुछ नहीं है वाइब्रेशंस के अलावा, बाकी मेरे परसेप्शन में है ये कि ये पेंसिल है, ये फोन है, ये कपड़ा है, ये जग है, ये क्या बोलते हैं, ये आईपैड है, ये बॉडी है, ये रीनी है, ये मेरे परसेप्शन में है माइंड के। इसको मैं टच कर सकती हूँ, उसको मैं फील कर सकती हूँ, उसको मैं टचिंग एंड हियरिंग बहुत और एंड सीइंग, ये तीन परसेप्शंस होते हैं ना बहुत स्ट्रांग है, जो हमारे अंदर एक मेरी दुनिया जो अंदर है वो अलग है, आपके अंदर जो दुनिया है वो अलग है, हर एक आत्मा के अंदर की दुनिया अपनी प्राइवेट दुनिया हाँ है ना। तो जी हम दुनिया देख रहे हैं ना, वो दुनिया वैसी नहीं, हर एक अलग अलग देख रहा है। हाँ, अंदर की दुनिया थॉट्स फीलिंग्स परसेप्शंस की अलग, आपकी अलग, ऐसे 8 बिलियन आत्माओं की दुनिया अलग है। एक चीज क्या है, हम आत्माएं एक जैसी हैं, बस सिमिलैरिटी और सेमनेस तो हम आत्माओं में ही है, बाकी किसी चीज में सिमिलैरिटी नहीं है। हम सब की वर्ल्ड अंदर, दुनिया एक्चुअल में अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, अंदर है दुनिया, पूरा हाँ जी अनुभव दुनिया का अंदर है। हाँ जी, एक छोटा सा बात शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, मे बी इट विल बी हेल्पफुल टू अदर्स आल्सो। पार्ट में कुछ ऐसा पार्ट है कि मुझे कुछ गाइड करना रहता है स्टूडेंट्स को रिसर्च में। तो एक स्टूडेंट अभी आत्मा है, थोड़ा उस टाइप का था कि वो आई वाज हिज थर्ड गाइड, लाइक ही यूज टू यू नो बहुत ज्यादा राउडी कह सकते हैं उस आत्मा का बिहेवियर। तो वो जब से 3 साल पहले से मेरे अंडर गाइडेंस में था, है अभी भी है, पर उसने हैवॉक उस आत्मा ने मचा दिया था। एंड मतलब पूरा कंप्लेन एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा था। तो तब से वो काफी मतलब रहता ही था माइंड में भी, बीपी भी थोड़ा हाई 2 साल पहले 1 साल पहले हो गया था। एंड बहुत कोशिश भी किया आपके क्लासेस के बाद, तो बहुत अलग तरह से उसको इसको डील किया सिचुएशन को कि हाँ। पर जब से ये रिसेंटली बहुत कुछ सेटल भी हुआ उस तरह से सोचने से कि अप्लाई किया बहुत जो भी आपसे सुना था बाबा से। पर एक बहुत अच्छी बात कि सब बाप समान है, सिर्फ वो एक बात इतना ज्यादा मतलब उसमें जादू है। जब भी किसी का भी, उसका ही नहीं कोई और भी किसी का भी चेहरा ऐसे कुछ अलग सीन में दिखाई देता है या कुछ अलग तरह से बिहेवियर, तो एक ही जैसे कि ना अंदर से ही एक आवाज आ जाती है कि ये बाप समान है ना, आत्मा तो बाप समान है ना, बस उतना ही, और वो सारा ही डिसॉल्व हो जाता है। तो भाई आज करंट सिचुएशन ये है कि मैं खुद में भी बिलीव नहीं कर रही हूँ कि जो मेरा और उस आत्मा का रिलेशन 2-3 साल से इतना खराब चल रहा था, आज वो मेरे टेबल पे ही बैठा था सामने आकर। एंड यू नो बिल्कुल मुझे लग ही नहीं रहा था कि कोई अलग है। तो सिर्फ ये बात कि ये बाप समान है ना, ये भी तो, ये आत्मा भी बाप समान है, कि आपने इसमें जादू स्वप्न, है। हाँ, हाँ, क्योंकि इसमें आपने उस जादू है। जादू तब है जब ये समझ आया कि जो ड्रीम स्टेट की फीलिंग्स थॉट्स इमोशंस है उसके थ्रू आपने नहीं देखा, तब उसमें जादू है। अगर मैं सिर्फ बोलूं बाप समान है तो कोई जादू नहीं है, उसके पीछे पूरी समझ चाहिए, है तो ना। इसका मतलब मेरा नोइंग वर्क कर रहा है, इंटेलेक्ट नहीं वर्क कर रहा है अब हाँ, नहीं, ऐसा सिर्फ कुछ वर्क कर, नोइंग नहीं। इंटेलेक्ट कुछ अलग नहीं है आत्मा से, इंटेलेक्ट अलग नहीं है आत्मा से, माइंड कोई अलग नहीं है आत्मा से, मतलब संस्कार। ज्ञानी माइंड एक होता है ना, ज्ञानी माइंड बोलता है, और एक है कि मेरी नोइंग है, वो उसमें डिफरेंस जितनी, मुझे। हाँ, जितनी जितनी हाँ अंडरस्टैंडिंग डीपली क्लियर होती जाएगी, ऑटोमेटिकली सब बाप समान दिखेंगे, क्योंकि नेचर, मेरी दुनिया अलग, मेरे अंदर, मैं जो आपको देख रही वो आप नहीं हो, मैं अपने परसेप्शन के थ्रू देख रही हूँ, और अपनी ही एक अंदर आपके प्रति मैंने एक छवि बना ली है, उसके थ्रू मैं अगर आपको देख रही हूँ, इट डजंट मीन वो आपका ट्रुथ है, नहीं। इसी तरह हम एक दूसरे को देखते हैं पूरे दिन में, पर जब हम बाबा के साथ रहकर देखते हैं तो हम अपने इन फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस से अपनी पहचान, अपने अंदर की जो
आइडियाज थॉट्स इमोशंस हैं उनसे पहचान नहीं बनाते, उनसे साक्षी होते रहते हैं, तब पता चलता है एक्चुअल में तो हम एक ही जैसे हैं, फर्क ही नहीं है हम में। हाँ पर अगर दीदी, ये ग्राउंड वर्क नहीं होता तो बाप समान बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी पता चला रिसेंटली कि सबको अलग अलग ही देख रहे थे। अभी स्कूटर पे ड्राइव करते हुए जाते हैं, जो जो भी दिखता है, अरे वो बाप समान बाप ऐसे ही चलता है, तो इतनों को सबको ही अलग देख रहे थे, ऐसे लग रहा है कितना गलत कर रहे थे। तो अभी गलत नहीं, ऐसा वो भी पार्ट था। देखो गलत सही की भाषा से भी बाहर है ना, वो भी पार्ट था, एक्यूरेट था उस मोमेंट के लिए। अभी जो है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है, और पार्ट्स और अंदर की दुनिया सबकी अलग ही होगी, कुछ भी हो जाए वो सेम हो नहीं सकती। इसलिए हम जब एक दूसरे के पार्ट्स को देखते हैं, पार्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस हैं, वो अलग अलग ही होंगे, वो कभी सेम हो ही नहीं सकते। सेम सिर्फ एक ही चीज है, वो है मैं आत्मा और आप आत्मा और बाप समान हम सब आत्मा। ये सत्य है, पर ये सत्य तभी ऑथेंटिकली फील होगा जब मैं अपने अंदर की दुनिया को बिल्कुल साक्षी होकर देख पाऊंगी, और आप भी अपने अंदर की दुनिया को बिल्कुल साक्षी होकर देख पाएंगे। तो आपके लिए सत्य कुछ और हो जाएगा, मतलब जो मेरा सत्य और आपका सत्य होगा, फिर वो सत्य सेम हो जाएगा हमारे लिए, है ना। इसीलिए पर हम एक दूसरे के अंदर की दुनिया को एक समान कभी नहीं बना सकते, हाँ जी, हाँ जी, ना। हाँ जी, थैंक यू। नीलम, सोनिया, मीना, टाइम क्या हुआ है, 8:23। क्विक विल टेक वन लास्ट क्विक, नीलम, क्विक क्वेश्चन। या हाँ यस नीलम, एकदम क्विक क्विक। आपने जैसे कहा ना कि बाबा हमको, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तभी बाबा हमें जागृत अवस्था में, एक्चुअली मेनली तो हम तभी जागृत होते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि तब इकबाल तो प्रेजेंट ही नहीं होता उस टाइम पे, तो हम पूरी तरह जागृत हैं। फिर जैसे जैसे बाबा का ज्ञान मिलता है और सोल अपने ट्रूथ को पहचान लेती है, फिर वो जो बार बार ड्रीम स्टेट में जाना है उसमें से बाहर आना शुरू करती है, तो तब भी तो एक स्टेज बनती है ना, जो जिसको आप कहोगे जागृत अवस्था, है ना। तो दोनों अवस्थाओं में फिर क्या फर्क है? ये वो अवस्था तो वही सोचने बाबा ने भी कहा, और ये कि ये अवस्था हो गई जब आप जागृत हो गए, एक तरह से जागृत हो गए ना, बीच बीच में कभी सो जाते हो लेकिन बिल्कुल जागृत अवस्था। सो विच वन बिल्कुल। इज बेटर, और दोनों में क्या अंतर करेंगे हम लोग? तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, लेट मी कंफर्म, मैंने समझा कि नहीं समझा। हाँ आपने कोई नहीं, कहा कि हाँ एक सो जाते हैं पूरा, जब बाबा आते हैं हमें उठाते हैं, राइट। हाँ बिल्कुल नहीं, ये क्या नींद में अच्छा सो जा, जो असली वाली नींद जो अपन रात को सोते हैं ना, उस नींद में सोते हैं। जब हाँ गहरी नींद में होते हैं तब तो इकबाल प्रेजेंट खत्म हो जाता है, हाँ तो बाबा कहता बिल्कुल, है कि यही तुम्हारी जागृत हाँ अवस्था है हाँ ना। बिल्कुल, एक हाँ ज्ञान के बाद हमारी इस स्टेट में, जब हम ऐसे सोए नहीं हैं, जाग रहे हैं, लेकिन उस जो एवरी डे देखने वाले, जो एवरी मिनट देख रहे थे हाँ स्वप्न, उससे बाहर हाँ आना, हाँ इन साक्षी अवस्था में आना हाँ शुरू कर जी, देते हैं। तो एक को आप कहेंगे साक्षी अवस्था, एक को हाँ कहेंगे वो जो नींद वाली, गहरी नींद वाली अवस्था जो रात को होती वो भी है ना। एक्चुअल में मेडिटेशन है, पर वो अनकॉन्शियस डीप मेडिटेशन है। यस, तो और उसको ये सुन, हाँ कॉन्शियस, हाँ और ये कॉन्शियस डीप मेडिटेशन है। डीप मेडिटेशन, यस पर वो जो अनकॉन्शियस डीप मेडिटेशन है, जो गहरी नींद थी, एज रिनी, हाँ यस या वो गहरी नींद है, उसमें मुझे पता नहीं है कुछ भी, उसमें इतना पता है कि मैं अवेयर अपने लिए, बाकी कोई ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है उसमें, यस है ना। यस और वो टाइमलेस नहीं है, वो भी टाइमलेस है, उसमें कुछ पता नहीं है टाइम का भान। यस बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर मैं कॉन्शियस नॉलेजफुल, या ये नॉलेजफुल अवेकनिंग है, नॉलेजफुल डीप स्लीप बोल सकते हो, यस और फुली अवेकन्ड स्टेट। अवेकन से, तो दिस इज मच बेटर देन दैट ना, ये वाली एब्सोल्युटली जो एब्सोल्युटली बेटर वर्स भी ना, नहीं बोल सकते, बट दैट्स हाँ बट डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट ना। हाँ इट्स एक बात डिफरेंट। और, हाँ एक बात और मेरे दिमाग में आई कि जैसे जैसे ये जागृत अवस्था बढ़ती जाती है, ये जो जागने वाली है, वो जो डीप स्लीप वाली है वो भी फिर बढ़ने लगेगी, क्योंकि डीप स्लीप भी उसको ही आएगी ना जो इकबाल नहीं, डीप जो स्लीप हैज नो टाइम, हाँ डीप स्लीप इज टाइमलेस। वो टाइमलेस ना। भले 1 सेकेंड हो
या 10 घंटे हो, फर्क नहीं है। यस हाँ, तो वो डीप स्लीप इज जस्ट नो इमेज, नो ऑब्जेक्ट, नो नो टाइम, नथिंग या नथिंग इज नो बट टाइम। इसमें हम जागृत अवस्था में कॉन्शियस भी हैं. आई मीन वी कैन एक्सपीरियंस ऑल्सो थिंग्स को हाँ, इसीलिए ये नॉलेजफुल फुल, अवेकनिंग, या वो नॉलेजफुल अवेकनिंग है ना. बिल्कुल ये यस नॉलेजफुल, मैं खुली आंखों से बिल्कुल गहरी नींद को अनुभव कर रही हूं, जैसे रेस्ट यस, अनुभव कर, गहरी रेस्ट कर नींद रही हूँ रेस्ट। और हर सपने को समझ पा रही हूँ कि अगर मैं हाँ जा भी रही हूँ किसी सपने में तो उसको समझ देख पा रही हूँ सामने जो अच्छे से हाँ क्लियरिटी ये थॉट आया, से ये जो नहीं ये होता जा है रहा है. टीवी यस हाँ स्क्रीन के ऊपर ना, सबटाइटल्स नहीं होते हैं, ये थॉट्स यस जैसे सबटाइटल्स हैं। हाँ अब वो आप उसको देख सकते हो. अगर, हाँ इसलिए उस लैंग्वेज में डाल दो जो समझ नहीं आती है, फ्रेंच में डाल दिया तो समझ ही नहीं आएगा, तो नींद में जाओगे ही नहीं। हाँ, तो आप अगर उसको देखोगे कि ये सिर्फ एक स्वप्न है, हर एक थॉट एक स्वप्न है, हर एक फीलिंग एक स्वप्न, और टाइम अपना डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा है, तो मैं उसमें फंसूंगी ही नहीं, तो यस मैं जागृत अवस्था में हूँ, बाबा के साथ कर्म करते हुए जागृत हूँ, नहीं तो मैं कर्म करते हुए भी सो रही हूँ। यस सो तो दिस इज द एक बेटर. ये बेटर तो नहीं कहूंगी अब दोबारा बेटर वर्स तो लेकिन नहीं बट बट बेटर, ये या जागृत अवस्था है, नॉलेजफुल बिल्कुल जागृत अवस्था है ना, फुल नॉलेजफुल। हाँ वो जागृत अवस्था. अनकॉन्शियस डीप स्लीप है, ये कॉन्शियस डीप स्लीप हाँ है, तो इसी को हम साक्षी, इसी को कहेंगे ना. बाबा कहता है आपकी उच्चतम स्थिति है साक्षी अवस्था, बिल्कुल बिल्कुल सो यही वो साक्षी। साक्षी अवस्था हो गई ना. पर साक्षी अवस्था भी उसी की हो सकती है जो डेड साइलेंस के सत्य को जानता है, हाँ जिसको सामने से चलते हुए थॉट्स नजर आ रहे हैं ठीक से नजर आ रहा है क्लियरली. जिस सूर्य इमेजेस। अपने बादल को देख तो रहा है लेकिन हाँ उसे फर्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल कौन सा बादल बिल्कुल कब गुजर रहा है है ना, क्योंकि वो अपने आप को इसलिए है जानता है. ना, एग्जैक्टली तो सूर्य अपनी लाइट से हमेशा शाइन कर रहा होता है, चाहे कितने भी एग्जैक्टली बादल आ जाओ उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता और उसे ये थॉट भी नहीं आता कि बादल क्यों आया कैसे क्यों आया है है ना, ना. तो ऐसे ही मैं आत्मा जितना अपने उस सत्य को जानती हूं कि मैं बिल्कुल डेड साइलेंस हूं, अब बादल वो शोर कितना भी संकल्पों का शोर है, मैं वो मेरे डेड साइलेंस को डिस्टर्ब नहीं कर कर सकता, ही नहीं सकते. वो एवर प्रेजेंट डेड साइलेंस है, वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो वो तो बिल्कुल एवर प्रेजेंट, तो वो मुझे पता है, चाहे भले कितना ही बादल आ जाओ कितने ही शोर हो जाओ, मैं कहाँ गई, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यही हूं, मैं डेड साइलेंस की स्मृति सत्य से मैं देख रही हूं, वहीं से यस एक्चुअली डिटैच हुआ जा सकता है टू बी ऑनेस्ट। पर क्योंकि हम ज्ञान में इतना वो पहले वो दूसरे ही तरीकों में भी फंसे हुए तरीके हो, से करते थे. हाँ वो यस तरीके भी अभी तक लेयर्स बनी हुई हैं, विच इज वो बीच ओके, बीच में आ जाती हैं कभी कभार बट यू फिर अवेकनिंग हो जाती है कि ओ कहाँ थे वापिस आओ. स्टेप बैक जिसको अपन कहते हैं ना स्टेप बैक बिल्कुल स्टेप. बिल्कुल इवन अब स्टेप ये बैक। सपने में होने लगा है अगर कोई सपना भी यहाँ आ रहा होता है ना रात को तो मेरी जाग हाँ खुल जाती है एंड आई स्टेप बैक फ्रॉम दैट कि ये तो बिल्कुल सपना चल रहा है. बिल्कुल। और अगर मान लीजिए नहीं भी, और उठते ही सपने में, अरे सपना ही तो था, नथिंग हाँ रियल, वो भी नहीं, सपना जितना उतना ही रियल है जितना मुझे ये घर अभी रियल दिख रहा है, रियल दिख रहा है बिल्कुल. पर दोनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं दोनों रियलिटी में। तो यस वो क्लियर होने लग जाता है, यस तो चीजें आपको पकड़ नहीं, कंप्लीटली तो यस देर इज कंप्लीटली. इवन थॉट्स भी दिखाई देते हैं कि कौन से सत्य के हाँ साथ अलाइन कर रहे हैं कौन हाँ से हैं जो सत्य के साथ अलाइन नहीं बिल्कुल। कर रहे उन्हें कैसे मतलब उन्हें स्टॉप साइड में करना है स्टॉप तो उनको नहीं करते पर हम अपना स्टॉप नहीं अटेंशन हट, उसको अटेंशन. हाँ अपने आई जस्ट और मेरा अटेंशन को अटेंशन रिलैक्स कर लेती हूँ अंदर, यही मैं भी लिटरली। करती हूँ अटेंशन हाँ ऐसा और इसका इतनी रिलैक्स होने की वो भी हो जाती है प्रैक्टिस कि आपने हाँ थोड़ा सा देखा एंड वो अपना हाँ क्योंकि चला गया खटाना कि मिटाना तो मतलब मैं ना नींद में, खटाना नहीं है. हाँ नींद में है नहीं फिर तो मिटाना आप उससे नींद बातें करने बैठ गए ना. अगर आपने उसे हटाने मिटाने का सोचा फिर तो खातिरदारी थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा ना खातिर ही नहीं करनी फिर तो खातिरी शुरू हो गई ना. सिर्फ अटेंशन रिलैक्स अपने अंदर आत्मा ने, दैट्स इट, दैट्स ऑल। अब वो भले ही बार बार आओ, उसका रीअकरेंस हो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये सत्य हो जाता है। यस दिस इज लिविंग लाइफ विद गॉड। बहुत या एक आपने ये भ्रम मेरा बहुत दूर किया है. आज तक यही शिकायत मेरी थी कि मैं तो कभी पता नहीं लोग कैसे बाबा के साथ रहते हैं मैं तो कभी रही ही नहीं. दिस इज लिविंग लाइफ विद गॉड। दैट इज अमेजिंग. नाउ आई एवरी टाइम एवरी मोमेंट आई फील कि आई एम विद हिम.
इतने 10 साल में आई वॉज नेवर विद हिम, लाइक आई थॉट कि मैं तो उसके साथ हूं ही नहीं, सब लोग पता नहीं कैसे रहते हैं बाबा के साथ. दैट वॉज ग्रेट. या दिस इज थैंक यू अमेजिंग. सो मच. या थैंक यू बाबा. ओके ओम शांति. ओम शांति. शैल वी एंड हियर? You take Sonia, can you call me? And Meena also, if you can call me, that would be wonderful. Yeah, sure. Shanti. Okay. Om Shanti. We'll take Sonia, you said, or in. We'll take Sonia. She'll call me because time All I'm right. looking at is 8:32. Absolutely. Yahan par Yes. aap sabka to bahut late ho gaya hoga. Okay. Om Shanti. Anji, thank you, Baba.